किया था ऑपरेशन सिग्नल्स इस ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स में सबसे पहला ऑपरेशन हमने जो लिया दैट इज एम्पलीट्यूड स्केलिंग जब तक बाकी लोग कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ब्रेक थोड़ा मुझे लगा कि शॉर्टर ब्रेक है मतलब 25 मतलब हाफ एन आवर हम ब्रेक को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं आगे से क्लासेस में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो तो हमने एम्पलीट्यूड स्केलिंग देख लिया हमने एम्पलीट्यूड रिवर्सल देख लिया रिवर्सल हमने देख लिया हमने टाइम स्केलिंग टाइम टाइम शिफ्टिंग शिफ्टिंग हमने शुरू किया था time shifting. तो इन चीजों के लिए जो हमने इन ऑपरेशंस के लिए अभी हमने बात कर ली है कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग के केस में आपको फाइंड करना होता है गिवन एक्स ऑफ टी के लिए जो भी ऑफ फंक्शन है आपका उसके लिए आपको ड्रॉ करना होता है के इन टू एक्स ऑफ टी और एम्प्लीट्यूड रिवर्सल भी सेम है यही ऑपरेशन है लेकिन अगर आप इस स्केलिंग फैक्टर की वैल्यू को ले, ले तो यहां पर आपको फाइंड करना होगा माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी इन दोनों ऑपरेशंस के लिए हमने देखा कि इनका जो मेन इफेक्ट है इन ऑपरेशंस को अप्लाई करने का वो मेन इफेक्ट किस पर है ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इनका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट किस पर है इफेक्ट ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल क्योंकि हम एम्पलीट्यूड में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है एम्पलीट्यूड का चेंज होना

जहां पर हमने डिफाइन कर लिया कि प्लस साइन एडवांसमेंट एडवांसमेंट को बताता है नेगेटिव साइन आपकी डिले को बताता है प्लस साइन के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे अपने सिग्नल को अगर पॉजिटिव साइन है तो और अगर नेगेटिव साइन है तो आप सिग्नल को राइट हैंड साइड

तो अगर इस सिग्नल के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना होता कर है अब अगर इसी फंक्शन के लिए आपको अगर चाहिए एक्स ऑफ टी प्लस फोर तो अगर आपको यहां पर परफॉर्म करना है सिग्नल पर टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन दैट इज एक्स ऑफ टी प्लस फोर तो आपने टी को रिप्लेस किया है टी प्लस फोर से अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो हर जगह राइट हैंड साइड में भी जहां भी टी है उन टी को आपको रिप्लेस करना है टी प्लस फोर से टी प्लस फोर होल स्क्वायर प्लस टू तो ये वैल्यू आपको सिग्नल दे देगी कौन सी एक्स ऑफ टी प्लस फोर तो यहां तक हमने देख लिया है यूट्यूब चैट भी अवेजिबल हो गई है तो बिल्कुल अब हम यहां से अब अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे सर डे वाइज टॉपिक बता दीजिए प्लीज करिश्मा ठीक है ये चीज आपका बोल सकते हैं कि आप इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ फर्स्ट थ्री डेज फर्स्ट थ्री डेज हम सिग्नल्स की बात करेंगे हम सिस्टम्स को अभी नहीं लेंगे फर्स्ट थ्री डेज में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स डिफरेंट बेसिस पर जैसे इवन ऑर्ट सिग्नल पीरियोडिक एपीरियोडिक सिग्नल्स जितने भी एनर्जी पावर सिग्नल्स होते हैं इन सभी क्लासिफिकेशन को देखेंगे एलिमेंट्री सिग्नल्स को देखेंगे जो टॉपिक हम आज ही शुरू करेंगे अपने लेक्चर में तो फर्स्ट थ्री डेज हम सिग्नल्स की की बात करेंगे, की बात करेंगे करेंगे देन नेक्स्ट डेज डेज हम सिस्टम्स मतलब जो फर्स्ट होने वाले हैं आपके उसमें हम सिग्नल्स और सिस्टम्स की बात करेंगे अब उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सिग्नल्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हम करते हैं टाइम डोमेन टू फ्रिक्वेंसी डोमेन हम कैसे देखते हैं उसके बाद हम जब फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में आएंगे तो हमारा जो फर्स्ट टूल होगा दैट विल बी फूरियर सीरीज़ फाइंड करना तो फुरियर सीरीज के लिए हम फिर से थ्री डेज लेंगे फुरियर ट्रांसफॉर्म के लिए टू डेज लेंगे तो इस तरह से हम अपने टॉपिक्स uh, को डे वाइज डिवाइड कर सकते हैं लेकिन पहले दिन पूरे के लिए डिस्कशन इतना जरूरी नहीं है मैं आपको बताता रहूंगा कि जो टॉपिक हमने लिया है वो हम कब तक कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है तो चलिए अब यहां पर सब लोग कनेक्ट हो गए हैं तो बिल्कुल अटेंटिव हो जाइए अब यहाँ से हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं दैट इज टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम शिफ्टिंग Time shifting on discrete time signals. तो हो हो, या हो, का बिल्कुल सेम है। अगर आपको कंटिन्यूस में समझ में आ गया तो कुछ भी इसमें नया नहीं करना सपोज आपके पास एक एक्स ऑफ एन सिग्नल गिवन है लेट्स से एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू थ्री टू माइनस फोर वन एन फाइव हमने कहीं पर भी इसमें ओरिजिन एज्यूम कर लिया लेट्स से हमने कहा कि इस पर ओरिजिन है ठीक है अगर हम इस सिग्नल को ये हमने कौन सा रिप्रेजेंटेशन नाम दिया इसको सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन तो ये हमने सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन में सिग्नल को डिफाइन किया है अगर हम इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते तो हमें एन की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए ये हमारा सिग्नल एक्स ऑफ एन विध रिस्पेक्ट टू एन हम एन की करेस्पोंडिंग वैल्यूज कैसे देखेंगे सबसे पहले हम ओरिजिन देख लेते हैं ओरिजिन पर क्या वैल्यू है ओरिजिन पर वैल्यू वन है तो हमने ये ओरिजिन पर वैल्यू शो कर दी इसके बाद की वैल्यू एनिक्वल्स टू वन की वैल्यू होगी तो एनिक्वल्स टू वन पर आपको सिग्नल की वैल्यू दिख रही है फाइव ये एनिक्वल्स टू वन का पॉइंट ये एनिक्वल्स टू जीरो का पॉइंट उसके बाद अगर आप देखें तो एनिक्वल टू माइनस वन पर यह वैल्यू है माइनस फोर एनिक्वल टू माइनस टू पर यह वैल्यू है प्लस टू एनिक्वल्स टू माइनस टू पर यह वैल्यू प्लस टू और एनिक्वल्स टू माइनस थ्री पर यह वैल्यू है प्लस थ्री ठीक है ये हमारी n टू माइनस थ्री पर यह वैल्यू है ये आपका सिग्नल एक्स ऑफ एन ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया ये हमने सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन देख लिया अब अगर आपको इस सिग्नल को शिफ्ट करना है तो दो मेथड्स फिर से हैं अगर सपोज हमने कहा यहां पर हमें सिग्नल अपना फाइंड करना है एक्स ऑफ एन प्लस टू अगर हमें एक्स ऑफ एन प्लस टू फाइंड करना है तो इस, इसी कॉन्सेप्ट से प्लस साइन मतलब आपको एडवांस करना है ये हमारा साइन किसके लिए यूज हुआ एडवांसमेंट के लिए अगर आपको सिग्नल को एडवांस करना है मतलब आप सिग्नल को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में तो देखिए जब भी आप सिग्नल को शिफ्ट करते हैं तो सिर्फ वैल्यूज शिफ्ट हो रही है लेकिन वैल्यूज पर कोई चेंज नहीं आ रहा जैसे अगर हमने डिस्कस किया कि जो इन दो ऑपरेशन का इफेक्ट होगा वो किस पर होगा एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल्स लेकिन ये जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं टाइम शिफ्टिंग आपने कहा कि आपने सिर्फ सिग्नल्स को शिफ्ट किया है उसकी वैल्यूज में आपने कोई अल्ट्रेशन नहीं किया तो मतलब इसका जो इफेक्ट है इस ऑपरेशन का इसका इफेक्ट सिर्फ किस पर है इफेक्ट ऑन टाइम ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन पर टाइम ड्यूरेशन मतलब ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस पर इसका इफेक्ट है पहले अगर कोई सिग्नल किसी एक लिमिट में किसी एक रेंज में एग्जिस्ट कर रहा था तो वो रेंज चेंज हो जाएगी अगर आप उसमें टाइम शिफ्टिंग अप्लाई कर देते हैं तो अब जैसे हमने यहां देखा कि प्लस साइन का मतलब हमें दो बार सिग्नल को लेफ्ट हैंड साइड इसको शिफ्ट करना है। अब जैसे यहां पर अगर हम देखें अगर हमें फाइव के बाद कोई वैल्यूज गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि वो सारी वैल्यूज कितनी है सिग्नल्स में इस पूरे सिग्नल में सारी वैल्यूज कितनी है इस फाइव के बाद सारी वैल्यूज जीरो है अगर इसके पहले आपको कुछ नहीं दिख रहा तो भी आपको पता है कि इसके पहले की सारी वैल्यूज कितनी है, में? जीरो है तो ये पहले की सारी वैल्यू जीरो है इस फाइव के बाद की सारी वैल्यूज जीरो है अब आपको क्या करना है इस सिग्नल को टू टाइम्स आपको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है अगर आप इस सिग्नल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे अल्टरनेटिवली आप डिस्क्रीट के, के केस में यह कह सकते हैं कि सिग्नल को शिफ्ट करना वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है प्रॉब्लम कुछ नहीं है आप सिग्नल को दो बार शिफ्ट कर दीजिए तो आप उसको ईजिली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं कि अगर आप सिग्नल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना चाहते हैं इसका मतलब ये जो ओरिजिन है ये ओरिजिन किस तरफ मूव होगा राइट हैंड साइड मूव होगा तो डिस्क्रीट के, के केस में अच्छा होगा कि अगर आप सिग्नल को शिफ्ट करने की जगह आप किसको शिफ्ट करें ओरिजिन को शिफ्ट करें तो अगर आपने सिग्नल को टू टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया इसका मतलब ओरिजिन टू टाइम्स राइट हैंड साइड शिफ्ट होगी तो वैल्यू सिग्नल में आपको अभी भी यही दिखेंगी थ्री टू माइनस फोर देन प्लस वन फाइव अब ये जो सिग्नल है आपका अगर आपने इसको टू टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो ये ओरिजिन अब कहाँ पर आ गया टू टाइम शिफ्ट होकर इस जीरो पर आपका ओरिजिन आ गया तो इसके बाद और इसके पहले की वैल्यूज को लिखने की जरूरत नहीं है तो ये सिग्नल आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्नल एक्स ऑफ एन प्लस टू आप इसको ग्राफिकली अगर देखते ये आपका सिग्नल है एक्स ऑफ एन ठीक है अब इस सिग्नल को आपने एन के रिस्पेक्ट में यह आपने शिफ्ट कर दिया एक्स ऑफ एन प्लस टू आपको वैल्यू टू तो से शिफ्ट तो हो जाएगी तो अब यही वैल्यू हमारी कहां पर होगी एन इक्वल्स टू माइनस फाइव पर तो आपको जो सिग्नल मिलेगा उस सिग्नल में जो वैल्यूज होंगी जो ये थ्री वैल्यू हमारी माइनस थ्री पर थी अब ये वैल्यू थ्री ये वैल्यू हमारी ये वैल्यू थ्री अब ये कहां पर लाई करेगी एनिक्वल्स टू माइनस फाइव पर लाई करेगी नेक्स्ट वैल्यू जो आपकी माइनस टू पर थी आपने टू से सिग्नल को शिफ्ट किया है तो ये जो वैल्यू थी प्लस टू अब ये वैल्यू कहां पर होगी एनिक्वल्स टू माइनस फोर पर होगी ऐसे ही सारे सैंपल्स बस शिफ्ट हो गए तो सैंपल की वैल्यूज चेंज नहीं होनी सैंपल की वैल्यूज वही रहेंगी दैट इज माइनस फोर एट एनिक्वल्स टू नाउ दिस पॉइंट विल बी माइनस थ्री अब ये क्या पॉइंट माइनस थ्री है ये जो जीरो का सैंपल अब ये कहां पर होगा एनिक्वल्स टू माइनस टू पर होगा ये वैल्यू कितनी है वन ये वैल्यू है हमारी वन ये वैल्यू टू है ऐसे ही ये एनिक्वल टू माइनस वन का पॉइंट है अगर आप इस सैंपल को देखेंगे तो अब ये सैंपल हमारा कहां पर होगा आपने टू से शिफ्ट कर दिया तो ये हमारी पॉइंट ये हमारा एनिक्वल टू माइनस टू का पॉइंट है ये माइनस टू का पॉइंट और ये सैंपल अब आपको माइनस वन पर मिलेगा तो ये वैल्यू आपको एनिक्वल टू माइनस वन पर दिख रही है एन एकवल्स टू माइनस वन पर यह सैंपल वैल्यू है फाइव यही रिप्रेजेंटेशन आपने सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में यहां ड्रॉ किया देखिए ये एन इक्वल्स टू अगर आपने कहा कि एन एक का पॉइंट है तो ये माइनस फोर और ये एन तो तो की वैल्यू थ्री एंड सो ऑन जैसा हमने रिप्रेजेंट किया तो ये तो हमने सिंपली शिफ्टिंग से हमने परफॉर्म कर लिया बहुत ईजी मेथड है बिल्कुल कर सकते हैं आप तो इसके लिए आपको क्या करना है अगर आपको सिग्नल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है ओरिजिन को पिक कीजिए और ओरिजिन को उतने ही टाइम्स किधर शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड सिमिलरली अगर हम कहें कि यहाँ हमें प्लॉट करना होता एक्स ऑफ एन माइनस थ्री एक्स ऑफ एन माइनस थ्री का मतलब हमें इस सिग्नल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना था माइनस साइन मतलब डिले करना है डिले करने के लिए हम सिग्नल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे कितने से शिफ्ट करने वाले थे हम सिग्नल को थ्री यूनिट से हम शिफ्ट करने वाले थे तो अगर हम सिग्नल को थ्री यूनिट शिफ्ट करेंगे इसका मतलब ओरिजिन लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा और कितनी वैल्यू से शिफ्ट होगा थ्री वैल्यू से अगर आपने एक बार शिफ्ट किया तो यहां दो बार शिफ्ट किया तो माइनस ये इस पॉइंट पर आपने अगर थ्री टाइम शिफ्ट किया तो अब ये जो पॉइंट है ये आपके ओरिजिन पर वैल्यू को डिफाइन करेगा तो इसलिए इस सिग्नल में आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वैल्यूज अभी भी वही हैं थ्री टू माइनस फोर वन एंड फाइव लेकिन अब ओरिजिन कहां पर लोकेटेड है ओरिजिन इज लोकेटेड एट थ्री नाउ आपने इस ओरिजिन को आपने सिग्नल को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया आपने ओरिजिन को थ्री टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया और इसलिए ओरिजिन आपका यहाँ आ गया तो ये एक बेसिक मेथड है अब अगर हम इसी में रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को देखें इसको आप बनाते चलेंगे इजी कॉन्सेप्ट डिस्कशन चल रहा है तो आप साथ साथ नोट no डाउन करेंगे तो अब जैसे अगर आप देखें हमने जो एक्स ऑफ एन सिग्नल लिया था उस सिग्नल की वैल्यूज एन इक्वल्स टू वैल्यूज और यहां पर सिग्नल एक्स ऑफ एन की वैल्यूज तो सिग्नल हमारा कहां से कहां तक रिप्रेजेंटेड था माइनस थ्री से लेकर एन इक्वल्स टू वन तक तो हमारी वैल्यू सिग्नल की माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो एन वन इन पॉइंट्स पर हमारे पास सिग्नल की वैल्यूज हैं क्या क्या वैल्यूज है टाइम शिफ्टिंग का कोई भी इफेक्ट सिग्नल के एम्पलीट्यूड पर नहीं होने वाला इसका मतलब अगर आप यहीं पर सेम एक और टेबल बना लें कि एक्स ऑफ जैसे हमने ये सिग्नल फाइंड किया एन प्लस टू अब x ऑफ n प्लस टू की वैल्यू हम देखेंगे करेस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ n तो अब देखिए पर क्या होगा जो एम्पलीट्यूड x of n के थे अब ये जो थे, पहले ये किन वैल्यूज पर, पर थे हमने एन को किससे रिप्लेस कर दिया एन प्लस टू से तो अब ये जो माइनस थ्री वैल्यू है नाउ इट इज नॉट फॉर एन

पहले ये एन की वैल्यू माइनस टू के लिए था आपने एन को रिप्लेस कर दिया एन प्लस टू से तो नाउ एन प्लस टू इक्वल टू माइनस टू देर फॉर यू कैन से एन इक्वल फोर इसके लिए आप अगर देखें ये की वैल्यू है अब पहले ये एन की वैल्यू माइनस वन थी आपने रिप्लेस कर दिया एन को एन प्लस टू से तो अब ये एन प्लस टू की वैल्यू है माइनस वन देयर फॉर एन इक्वल्स टू माइनस थ्री सिमिलरली इट इज एन प्लस टू इक्वल्स टू जीरो and it is n plus 2 equals to 1, therefore, n equals equals to to therefore तो आपको ये पता चल गया कि ये जो signal x of n plus टू होगा इसमें n की different values के लिए signal की क्या values हैं आप इसको अगर plot करेंगे तो आपको बिल्कुल यही signal मिलेगा जो आपने यहाँ plot किया x of एन प्लस टू तो ये अलग अलग जो दो मेथड्स हैं जो रिप्लेसमेंट का मेथड हमने देखा और जो हमने डायरेक्टली मूवमेंट का मेथड देखा कि हम सिग्नल को स्लाइड करके भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और रिप्लेसमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं तो रिप्लेसमेंट में आपको जो चीजें सबसे जरूरी हैं वो आपको ध्यान रखना है कि जहां भी एन होगा अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी जहाँ भी एन होगा उसको आपको रिप्लेस करना है अब जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें एक बार बस आप देख लीजिए फिर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे जैसे हमने कहा कि ये जो वैल्यूज हैं सिग्नल की अगर ये एन से इंडिपेंडेंट है

स्लाइड करने में भी क्या ध्यान रखना है आपको अगर आप सिग्नल को डिले कर रहे हैं मतलब राइट हैंड साइड शिफ्ट करने वाले हैं तो आप करेस्पॉन्डिंगली ओरिजिन को लीजिए उस एरो को लीजिए और उस एरो को उतने ही टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए तो बहुत ही इजी हो जाएगा ऑपरेशन परफॉर्म करना और जो मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं वो मिस्टेक के चांसेज आपके कम हो जाएंगे तो ये हमने देखा ऑपरेशन दैट इज टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे तो एक बार आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है तो फिर हम आगे नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे आपका बोर्ड पे ही फोकस है सर नंबर ऑफ सैंपल टू चेंज हो रहा नंबर ऑफ सैंपल कहाँ चेंज हो रहा प्रिंसी चेक कीजिए यहां पर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने सैंपल्स हैं हमने बात की नंबर ऑफ सैंपल्स में आप इन जीरोस को काउंट नहीं करेंगे इन जीरोस को काउंट नहीं करेंगे नंबर ऑफ सैंपल्स पहले सिग्नल में कितने थे वन टू थ्री फोर फाइव जो हमने सिग्नल बाद में फाइंड किया उसमें कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव ये जो जीरो है ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि यहां पर फाइव कहां पर लोकेट करेंगे आप तो आप फाइव को लोकेट कहां पर करेंगे माइनस वन पर इक्वल्स टू माइनस वन पर इसको कहा लोकेट करेंगे एन इक्वल्स टू माइनस टू पर लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं है कि इस बोलेंगे कि इस सिग्नल में छह सैंपल्स हैं नो नॉन जीरो सैंपल जहां से जहां तक ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है टोटल कितने नंबर ऑफ हैं सैंपल है one, two, three, four, five. ऐसे ही इस केस में भी अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ कितने हैं तो जैसे ये सिग्नल पहले एग्जिस्ट कर रहा था फॉर एनव माइनस थ्री टू प्लस वन लेकिन अब ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम एन इक्वल टू माइनस फाइव टू माइनस वन ये सिग्नल हमारा एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम जीरोक्वल्स टू फोर

या आप ले सकते हैं एक्स ऑफ एन और अगर आप यहां ले लें शिफ्टेड वर्जन ऑफ दिस सिग्नल दैट इज एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट या फिर एक्स ऑफ एन प्लस एन नॉट इन केस ऑफ डिस्क्रीट तो अगर हम कहें कि यहां पर इसका जो भी एम्पलीट्यूड है इसका अगर कुछ भी एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड नो चेंज एम्पलीट्यूड पर कोई चेंज नहीं होगा जो भी एम्पलीट्यूड मतलब जो भी सैंपल वैल्यूज सिग्नल में थी उन्हीं उन्हीं वैल्यूज के आपको सैंपल्स

चेंज no तो ये क्या चेंज कर रहा है ये सिर्फ एग्जिस्टेंस चेंज कर रहा है ये सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस चेंज कर रहा है तो आप इसमें लिख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस देन इट इज गोइंग टू बी चेंज ये चीज हमारी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी ठीक है तो अब यहां से जैसे आप वेरीफाई भी करना चाहें सपोज हमने कहा कि ये हमारा सिग्नल है एक्स ऑफ एन अगर आप इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का एरिया फाइंड करना चाहते तो आप इसके सारे सैंपल्स का सम लेते सारे सैंपल्स का सम मतलब थ्री प्लस टू फाइव माइनस फोर दैट इज प्लस वन प्लस टू प्लस सेवन प्लस सेवन मतलब इस एक्स ऑफ एन सिग्नल का एरिया कितना है सेवन है अगर आप इस सिग्नल में देखें तो भी वही सैंपल्स हैं इनकी पोजिशन चेंज होगी लेकिन सैंपल तो वही है तो अभी भी अगर आप इसके सारे सैंपल्स को ऐड करेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा दैट इज सेवन आपने कुछ और शिफ्टिंग की तो भी वही सैंपल्स हैं अगर फिर से आप इन सारे सैंपल्स को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा सेम दैट विल बी सेवन तो मतलब एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं है किसका टाइम शिफ्टिंग का ऐसे ही आप यहां भी समझ सकते हैं सपोज आपने कोई ये आपनेटीन्यूस टाइम सिग्नल लिया ये आपका कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स ऑफ टी लेट्स से इट इज एग्जिस्टिंग इन बिटवीन जीरो टू फाइव सेकेंड्स हैविंग वैल्यू टेन तो अगर आप इस सिग्नल का एरिया देखते तो इस सिग्नल का एरिया कितना आता रेक्टेंगल है तो विथ इन हाइट अगर आप करेंगे तो एरिया की वैल्यू आपको मिलती फिफ्टी दैट इज फिफ्टी यूनिट्स अब अगर इसी सिग्नल को आपने शिफ्ट कर लिया इसी सिग्नल को अगर आपने शिफ्ट कर लिया और आपने टी के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया से x ऑफ t, 5. t 5 का मतलब आप इस सिग्नल को डिले करने वाले हैं फाइव यूनिट से मतलब इसको आपने शिफ्ट कर दिया फाइव यूनिट तो जो सिग्नल जीरो से शुरू हो रहा था अब वो फाइव से शुरू होगा और जो फाइव तक एग्जिस्ट कर रहा था ये फाइव शिफ्ट हो गया तो अब ये कहां तक एग्जिस्ट करेगा टेन तक एग्जिस्ट करेगा तो आपको ये सिग्नल कैसा मिला फाइव से लेकर टेन तक इस बीच में सिग्नल की वैल्यू कितनी है टेन अगर आप देखें तो क्योंकि अभी भी टाइम विद सेम है इसलिए अगर आप इसका एरिया देखेंगे टाइम सेम 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 हाइट तो तो टोटल एरिया एरिया भी भी क्या तो अभी भी की वैल्यू कितनी है 50 तो इसलिए आपने कहा कि टाइम शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट एरिया पर नहीं होगा इसके साथ आप यह भी कह सकते हैं कि अगर हम एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी की बात करें या समेबिलिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी इट इज अगेन गोइंग टू बी मेंटेन्ड अगर एरिया चेंज नहीं हुआ तो एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी भी मेंटेन्ड रहेगी मतलब अगर पहले सिग्नल एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल था तो बाद में भी रहेगा पहले नहीं था तो बाद में भी नहीं रहेगा तो इसको नोट no डाउन कर लीजिए और बता दीजिए कि आपने नोट कर लिया है तो फिर हम नेक्स्ट ऑपरेशन अपना लेंगे दैट विल बी टाइम रिवर्सल ऑपरेशन तो आप इसको जल्दी नोट कर लीजिए सर थ्री फोर जीरो थ्री सिक्स में कितने सैंपल्स होंगे ये जब जीरो बीच में आता है तो मैं आपको बार बार यही बोलना चाह रहा हूं अगर कोई जीरो सैंपल आपका बीच में आ रहा तो आप उसको काउंट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स में वो चीज़ काउंट होगी उसमें से एक सैंपल जीरो है लेकिन अगर बाद के सैंपल जीरो हो रहे तो आप उनको काउंट नहीं करते ठीक है तो क्लियर होगी शायद ये चीज़ें शिवम अवस्थी आपने नोट no डाउन कर लिया है ऐश्वर्या आपने नोट no डाउन कर लिया है तो चलिए अब हम ओके नितिन नोटेड गिरीश पाटिल नोटेड तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम अपना शुरू कर रहे हैं दैट इज टाइम रिवर्सल ऑपरेशन अभी हमने एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड रिवर्सल रिवर्सल ऑपरेशन देख लिया तो में हम एम्पलीट्यूड को पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज करते हैं टाइम टाइम रिवर्सल रिवर्सल में फिर से अगर आप देखें तो कोई अलग ऑपरेशन नहीं है अगर आप रिप्लेसमेंट की मेथड को समझ रहे हैं तो आपके लिए सारे ऑपरेशन बिल्कुल सेम हैं उनमें कोई भी डिफरेंसिस नहीं आने वाले तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं तो हम इजी मेथड भी देखेंगे कैसे हमें टाइम इन्वर्जन के बाद डायरेक्ट सिग्नल प्लॉट कर सकते हैं हम और फिर हम उसको रिप्लेसमेंट से भी देखेंगे क्योंकि रिप्लेसमेंट एक ऐसा टूल होगा जो हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं बस आपको थोड़ी इनिक्वेलिटी सॉल्व करने के जो मेथड हमने देखा था उस पर आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट uh, करना है कि उसमें आपसे मिस्टेक ना हो तो बिल्कुल आप दोनों ही मेथड्स यूज कर सकते हैं तो जैसे हम अगर नेक्स्ट ऑपरेशन देखें दैट इज फोर्थ ऑपरेशन इट इज दैट इज टाइम रिवर्सल और फोल्डिंग ऑपरेशन अब ये जो चीज आप कर रहे हैं एक बार फिर से हम एम्पलीट्यूड स्केलिंग देखते हैं ये हमारा एम्पलीट्यूड स्केलिंग के केस में हमने देखा कि अगर हमारा टी के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन है ये एक्स ऑफ टी तो अब हम जब टी के रिस्पेक्ट में अगर हम माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी ड्रॉ करते हैं तो हमने कहा कि ये जो चीज होगी ये हमारी नीचे आ जाएगी मतलब अगर ये वैल्यू प्लस टेन थी तो अब ये वैल्यू हमारी माइनस टेन होगी इन बिटवीन से जीरो एंड सिक्स सेकेंड्स तो ये हमारे पास ऐसा था मतलब आपको क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर हम जो वाई एक्सेस है ये जो एक्स टी है अगर हम कहें कि ये टी हमारी एक्स एक्सेस है नॉर्मली हम एक्स वाई कोर्डिनेट जानते हैं ये अगर हमारी वाई एक्सेस है तो हम यहाँ पर अगर आप देखें तो हम क्या कर रहे हैं हम इस एक्स एक्सेस को फिक्सड रख रहे हैं

माइनस टी मतलब एक्स ऑफ टी सिग्नल आपके पास गिवन होगा और आपको क्या फाइंड करना होगा एक्स ऑफ माइनस टी अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन किया था वो हमारा डिस्कशन ये था कि अगर हमारे पास ये कोई सिग्नल है टी के रिस्पेक्ट में अगर एक्स ऑफ टी ये किसी भी शेप का सिग्नल हो ये अगर हमने कहा कि जीरो से सिक्स सेकेंड्स तक अगर ये वैल्यू टेन है तो हमने ये देखा था कि अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं एक्स ऑफ माइनस टी या हम कोई भी चीज टी को अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं अगर यहाँ एक्स ऑफ टी था अगर हमने टी की जगह माइनस टी लिख दिया और अगर यहां भी हम टी की जगह माइनस टी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब सिग्नल जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही फिर से देखने वाला है ये टेन और सिक्स ठीक है ये एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल है एक्स ऑफ माइनस टी विद रिस्पेक्ट टू वॉट माइनस टी लेकिन आपको जो सिग्नल प्लॉट करना है एक्स ऑफ माइनस टी हम देख चुके हैं हमें वो टी के रिस्पेक्ट में प्लॉट करना है तो ये जो वैल्यूज है इट इज वॉट ये माइनस जो टी की वैल्यूज आपने लिखा है सिक्स ये किसकी वैल्यू है ये माइनस टी की वैल्यू है मतलब अगर यही सिग्नल आपको बनाना होता अगर आपको यही सिग्नल बनाना 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 है, 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 आपको ही लेकिन तो हमने T की values find की। हमने की की, देखा, अगर minus T होता तो ये वैल्यूज होती 6 और 0। लेकिन हमें टी चाहिए हमें T चाहिए, तो तो से हमने T की corresponding values find की, minus 6 and 0। तो जो signal दिखेगा ये ऐसा सिग्नल दिखेगा -6 से जीरो तक और ये वैल्यू अभी भी कितनी तो यहाँ पर हमने क्या किया अगर आप इसको देखें ये हमने बेसिक रिप्रेजेंटेशन से अपने तो इसको आप अगर समझें कि क्या एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो अब इस केस में जैसे हमने एम्पलीट्यूड रिवर्सल क्या बात की अभी चेंजेस नहीं है

हमने इसको नाम दिया है फोल्डिंग ऑपरेशन फोल्डिंग ऑपरेशन मीन्स आपको अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है टू फाइंड एक्स ऑफ माइनस टी देन यू जस्ट हैव टू टेक आपको क्या करना है जो भी वैल्यूज पॉजिटिव साइड में एग्जिस्ट कर रही हैं उन सारी वैल्यूज को टी की नेगेटिव साइड में आपको ट्रांसफर करना है दैट इज जस्ट हैव टू आपको वाई एक्सिस को फिक्स रखते हुए कीपिंग वाई एक्सिस फिक्स्ड we have to take take mirrored image about y axis वाई एक्सिस को फिक्स रखा और उस एक्सिस के अबाउट हमने अगर मिरर इमेज ले लिया मतलब जो चीज पहले वाई एक्सिस के राइट right साइड में लाई कर रही थी अब वो चीज कहां लाई कर रही है y के लेफ्ट साइड में लाई कर रही है इसका मतलब क्या किया हमने इस वाई एक्सिस को फिक्स रखते हुए हमने इस एक्स एक्सिस की फोल्डिंग कर दी जो चीज पॉजिटिव टी थी अब वो चीज हमारे लिए नेगेटिव टी है जो नेगेटिव टी था वो हमारे लिए अब पॉजिटिव टी है तो ये ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे हमारे पास सपोज ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है सपोज हमारे पास ये ऐसा फंक्शन है जो अगर हमारा सिग्नल सपोज हमने कहा टी जीवल टू फोर सेकंड से लेकर एट सेकेंड्स तक हमारा ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू t ये हमारा कोई फंक्शन है x ऑफ t लेट इट इज योर फंक्शन x ऑफ t और इस x ऑफ t की वैल्यू सपोज हमने कह दिया कि ये वैल्यू कितनी है टेन ठीक है ये वैल्यू हमने सपोज ले लिया ये वैल्यू कितनी है ट्वेंटी तो अगर आपको इस सिग्नल को टाइम रिवर्सल लेना है सिग्नल पर मतलब अगर आपको फाइंड करना है एक्स ऑफ माइनस टी अगर आपको फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टी आपको फाइंड करना है अगर x ऑफ माइनस टी तो आप क्या करेंगे इसको फोल्ड करेंगे फोल्ड करने का मतलब हमने ये देखा कि जो भी चीज t की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए रिप्रेजेंटेड थी वो सभी चीजें नेगेटिव वैल्यूज के लिए रिप्रेजेंटेड होंगी इसका मतलब अगर ये सिग्नल प्लस फोर से प्लस एट के बीच में पहले लाई कर रहा था तो अब ये सिग्नल माइनस एट से माइनस फोर के बीच में लाई करेगा तो अगर आप देखें यह सिग्नल आपको कैसा दिखेगा तो इस सिग्नल के लिए अगर आप वैल्यूज प्लॉट करेंगे यहां तो आपको ये सिग्नल ऐसा दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी आप ड्रॉ कर रहे हैं सिग्नल एक्स ऑफ माइनस टी सो इट विल बी लाइक दिस ये पॉइंट टीज इक्वल्स टू माइनस फोर ये पॉइंट टीज इक्वल्स टू माइनस एट और ये वैल्यू पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये वैल्यू अभी भी कितनी है माइनस ट्वेंटी तो ये जो भी चीज पॉजिटिव साइड में लाइक कर रही थी प्लस फोर से प्लस एट वो चीज जैसे ही आपने इस टी एक्सिस को रोटेट कर दिया ये चीज एक्सिस पूरी रोटेट हो गई तो आपकी ये चीज अब किसके बीच में रिप्रेजेंटेड है माइनस एट से माइनस फोर के बीच में ये चीज आपके रिप्रेजेंटेड है जैसे ये सिग्नल प्लस फोर से प्लस एट के बीच में इंक्रीज होकर जीरो से ट्वेंटी हो रहा था वैसे ही ये सिग्नल अब प्लस माइनस एट से माइनस फोर के बीच में डिक्रीज होकर ट्वेंटी से क्या हो रहा होगा जीरो हो रहा होगा तो ये तो एक हमारा फर्स्ट मेथड हो गया कि कोई भी सिग्नल आपके पास आया आपने सिंपली उसको कैसे रीअरेंज कर लिया यहाँ पर एक बार आप तब तक नोट डाउन कीजिए कैमरा इधर रहने देना तो तब तक मैं आपको स्पेस थोड़ा यहाँ पर बनाकर इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो एक्सट्रीम बेसिक्स हम अभी देख रहे हैं बिल्कुल जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे अगर कभी हम रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो आप में से किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और आप ढूंढते रहें कि कहां पर हम रिप्लेसमेंट का यूज करके अपने कॉन्सेप्ट को अपने प्रॉब्लम को हम इजी बना सकते हैं तो जैसे अभी हमने बात की ओके हमने जब एम्पलीट्यूड स्केलिंग देखा था ये अगर हम कहें कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, अब आपने देखा कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग में हम इस वाई एक्सिस को फोल्ड करते हैं इसलिए क्या इफेक्ट था वहां पर

टाइम रिवर्सल के लिए ये आपका किसके लिए टाइम रिवर्सल के लिए अगर आप टाइम रिवर्सल करेंगे तो जो भी चीजें फर्स्ट क्वार्टरेंट में होंगी वो सभी शिफ्ट हो जाएंगी सेकंड में जो भी थर्ड में होंगी वो सभी शिफ्ट हो जाएंगी फोर्थ में एंड वाइस वर्सा तो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है टाइम रिवर्सल में उसके बाद हम इसका सेकंड मेथड देखेंगे वो यहां पर आपको दिख रहा है आगे जब हम रैम्प फंक्शंस में जाएंगे तो हम स्ट्रेट लाइन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे हो सकता है उसके पहले भी मैं आपको स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन दूं यहाँ पर अभी आप इतनी चीज़ समझ सकते हैं कि अगर आप कभी भी टाइम में आप पॉजिटिव वे में मूव कर रहे हैं मतलब अगर आप टाइम में आगे की तरफ जा रहे हैं अगर टाइम की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है अगर उसके साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जैसे आप यहाँ से देखें फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर जीरो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये फंक्शन लिनियर इंक्रीज़ हो रहा है और फंक्शन कहाँ तक पहुँच रहा है ट्वेंटी तक टाइम में आप पॉजिटिव में मूव कर रहे हैं वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है तो ऐसे केस में आप कहेंगे कि जो इसका स्लोप है इस लाइन का वो स्लोप कैसा है पॉजिटिव अभी हमें स्लोप की वैल्यू नहीं देख रहे स्लोप की वैल्यू आप जानते हैं अपॉन डेलवाई ऑफॉन्डेलेक्स अभी हमारा वो पर्पस नहीं है हमें बस ये देखना है अगर हम किसी भी सिग्नल पर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं उस सिग्नल में अगर कोई स्लोप था जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सिग्नल में कुछ एक पर्टिकुलर स्लोप है सिग्नल में कुछ स्ट्रेट लाइन है अगर कहीं पोर्शन ऑफ सिग्नल तो डेफिनेटली जब आप उस पर टाइम रिवर्सल परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब टाइम रिवर्सल के बाद जो ये सिग्नल आपको दिख रहा है अगर आप यहाँ पर टाइम में आगे की तरफ जा रहे हैं अगर आप यहाँ पर टाइम में इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू तो अब यहां पर वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो पहला इफेक्ट आपको नोट no डाउन करना है कि आफ्टर टाइम रिवर्सल स्लोप इट्स किसा होगा अगर पहले स्लोप नेगेटिव था तो टाइम रिवर्सल के बाद स्लोप कैसा होगा पॉजिटिव होगा तो ये चीजें डेफिनेटली आपको सेटिस्फाई करेंगी और कई बार जब ऑप्शन मिलेंगे आपको तो इन ऑप्शन के थ्रू आप बिना सॉल्व किए बता सकते हो कि जो वेफॉर्म बनने वाली है वो कैसी होगी ठीक है तो ये एक पॉइंट आप नोट no डाउन कर लेंगे कि स्लोप स्लोप चेंजेस इट्स पोलैरिटी बाय द मीन ऑफ पोलैरिटी मेरा मतलब क्या है यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाना तो प्लस इट चेंजेस इट्स पोलैरिटी तो ये आपके टाइम रिवर्सल का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्लोप हमारा जो है वो अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेगा चलिए तो अभी जैसे हमने देखा कि टाइम शिफ्टिंग हम टाइम uh, रिवर्सल हम परफॉर्म कर सकते हैं जस्ट बाई टेकिंग मिरडर्ड इमेज ऑफ द सिग्नल अबाउट द वाई एक्सेस ठीक है ये पहला मेथड हो गया अब इसी में अगर हम सेकेंड मेथड देखना चाहते हैं इसी सिग्नल को लेते हैं हम जो ऑलरेडी हम यहाँ पर बना चुके हैं अगर हम देखें तो ये अगर हमारे पास x ऑफ t था जीरो से प्लस सिक्स सेकेंड्स के बीच में तो हमने अगर इस पर x ऑफ माइनस टी फाइंड किया इसके लिए मतलब टाइम रिवर्सल अगर हमने अप्लाई किया हमने सिंपली इस सिग्नल को फोल्ड कर दिया जो भी पॉजिटिव साइड की वैल्यूज थी वो सारी ट्रांसफर हो गई इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ये चीज कैसी दिख रही है माइनस सिक्स से जीरो अब ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है विद वैल्यू इसी को आप कैसे फाइंड कर सकते थे यूजिंग रिप्लेसमेंट अगर आप इस सिग्नल की वैल्यू लिखते तो आप इस सिग्नल की वैल्यू को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते ये तो हमारा कौन सा रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर आप लिख सकते थे एक्स ऑफ टी इज प्लस टेन बट ओनली इफ टी इज इन बिटवीन एंड एंड इट इज जीरो अदरवाइज ठीक है ये ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था इस सिग्नल एक्स ऑफ टी के लिए अब आप क्या चाहते हैं कि हम एक दूसरा सिग्नल फॉर्म करें जो सिग्नल क्या हो एक्स वन ऑफ टी से हमने कहा कि एक्स वन ऑफ टी हमारा सिग्नल है जो एक्स ऑफ माइनस टी के बराबर है तो x ऑफ माइनस टी कैसे मिलेगा अगर ये यहां पर x ऑफ टी था हमने इस t को रिप्लेस कर दिया किससे माइनस टी से तो अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में t को रिप्लेस किया माइनस टी से तो जहां भी राइट हैंड साइड में हमारा फंक्शन है उसमें जहां भी आपको t दिख रहा है ये तो हमारा t से इंडिपेंडेंट है कॉन्स्टेंट है अगर यहां भी t मल्टीप्लाइड होता तो हम इसमें भी रिप्लेसमेंट करते लेकिन कॉन्स्टेंट में जरूरत नहीं है यहां आपको दिख रही है वैल्यू टी तो इसका मतलब एक्स ऑफ माइनस टी की वैल्यू भी टेन ही होगी लेकिन किस ड्यूरेशन में होगी जब टी

और इस सिक्स को दूसरी तरफ आप अगर मूव करेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी माइनस सिक्स मतलब अगर आप देखें तो इन दोनों लिमिट से पहले लिमिट क्या बोल रही है लिमिट टू मतलब जो होनी चाहिए वैल्यू छोटी होनी चाहिए जीरो से और दूसरी वैल्यू क्या बोल रही है टी माइनस सिक्स से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू मतलब इस एक्स ऑफ माइनस टी को अब आप डिफाइन कर सकते थे कि इसकी वैल्यू टेन होगी यहीं से हम डिफाइन कर रहे हैं टेन लेकिन ये टी की क्या लिमिट्स मिली आपको जब टी की वैल्यू माइनस सिक्स से बड़ी होगी और जब तक ये जीरो से छोटी होगी तब तक हमारे एक्स ऑफ माइनस टी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी प्लस टेन मिलेगी तो यही चीज आपने यहाँ ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी एक्स ऑफ माइनस टी की वैल्यू टेन है लेकिन कब से कब तक है जब टी की वैल्यू हमारी माइनस सिक्स से जीरो के बीच है तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है टाइम शिफ्टिंग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन का ठीक है तो अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे जिसको आप स्पेशल केस कह सकते हैं या जिसके स्पेशल केस को आप कह सकते हैं ये आपका टाइम रिवर्सल ऑपरेशन तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम देखने जा रहे हैं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन तो एक बार देख लीजिए आप लोगों में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सर स्लोप एम्पलीट्यूड का भी नेगेटिव शिव शंकर आप थोड़ा वेट कर लीजिए हम इस स्लोप के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आ, विवेक घोष बिल्कुल थोड़ा सा स्लो चलते हैं ओके अभी क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी आज थ्री आवर्स से ज्यादा क्लास हो चुकी है और हम सेकेंड ऑपरेशन पर ही है इसलिए थोड़ा सा हम चल रहे हैं फास्ट आप बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं ऐसी चीजें नहीं है जो आपको कन्फ्यूज करेंगी हमने स्लोप की बस ये बात की है कि अगर आप रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो अगर वैल्यू टाइम के साथ पहले बढ़ रही थी ये आपको क्या दिख रहा है फोर सेकंड पर वैल्यू जीरो है एट सेकंड तक जाते जाते वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या हो गई हमारी ट्वेंटी हो गई है तो मतलब अगर पहले वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रही थी और आपने टाइम रिवर्सल अप्लाई किया है तो अब जो सिग्नल आपको मिलेगा उसमें टाइम के साथ आपको वैल्यू डिक्रीज होती हुई दिखेगी जैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है बस हमने इतनी सी अभी बात की तो चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन हम लेंगे आप नोट डाउन कर लीजिए ओके नोट कर लीजिए नोटेड कृतिका आपने नोट कर लिया है वेरी गुड शिवम अगर टेन टी होता तब उस पर बिल्कुल अगर आपके टेन टी होता कहीं पर भी जहां भी टी होता उसको आपको रिप्लेस करना है माइनस टी से डेफिनेटली आप ये चीज ध्यान रखेंगे आ, नहीं मनीष मैं बहुत दिन से नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, अभी आया हूं ठीक है नोटेड ठीक है आप सब लोगों ने नोट कर लिया है गुड तो अभी तक हमने ये अपना ऑपरेशन डिस्कस कर लिया टाइम रिवर्सल अब सिर्फ एक ऑपरेशन हमारा बचा है और वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी सारे ऑपरेशन तो आप एक कॉमन टूल देख रहे हैं जैसे हमने टाइम शिफ्टिंग में जो प्रोसीजर यूज किया शिफ्टिंग का रिप्लेसमेंट uh, का सेम प्रोसीजर हमने यहाँ भी यूज किया कि अगर हम एक्स ऑफ टी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दोनों तरफ हमें टी को किसी सेम जो भी चीज आपको फाइंड करनी है उसे रिप्लेस करना है तो आपको इस रिप्लेसमेंट के मेथड को यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सिग्नल को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे पाए तो बिल्कुल हम स्ट्रेट लाइन की बात भी अभी यहीं करेंगे बस हम अपना लास्ट ऑपरेशन देख लेते हैं फिर उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन की भी बात करेंगे क्योंकि जब तक आप सिग्नल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे मैथमेटिकली तब तक आप रिप्लेसमेंट यूज नहीं कर पाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर आपने कभी टेंथ ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़ा है वहां स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम आ रही थी तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि वो चीज यहाँ कंटिन्यू होगी बिल्कुल सिंपल चीजें हैं जो भी चीजें आपको कभी लगा हो अगर अपने टेंथ ट्वेल्थ में कि आपके क्वेश्चन को टफ कर देता है या फिर आप कहें कि पैराबोलिक फंक्शन आ जाते हैं वैसा कुछ आ जाता है तो आपको टफ लगता है वो सभी चीजें आप देखेंगे कि हम कभी बेसिक्स की तरफ नहीं गए अदरवाइज वो चीजें हमें वहीं पर क्लियर हो जाती तो हम इसलिए बेसिक्स को ही हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं चलिए तो ये हमारा ऑपरेशन यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया तो ये चीजें ध्यान रखेंगे आप टाइम रिवर्सल में ये रिप्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड रिवर्सल में इसका वाई एक्सिस का रिप्लेसमेंट है ठीक है इसमें यहां पर हम एक्स एक्सिस की फोल्डिंग कर रहे हैं उसमें हम वाई एक्सिस की फोल्डिंग करते हैं चलिए तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम ले रहे हैं दैट इज टाइम स्केलिंग ऑपरेशन अब फिर से जैसे हम अभी जो भी ऑपरेशन देख रहे हैं वो हम दोनों ही केसेस में देख रहे हैं तो अभी जैसे हमने ये टाइम रिवर्सल ऑपरेशन सिर्फ हमने देखा कंटिन्यूस केस में तो एक बेसिक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं डिस्क्रीट के केस का भी तो आपको चीजें कंफ्यूज नहीं करेंगी वैसे भी देखिए आप यहां पर पहली चीज मन में बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा कि डिस्क्रीट टफ होता है ऐसा कुछ कुछ स्टूडेंट्स में ये मिसकंसेप्शन होता है और उनको लगता है कि डिस्क्रीट का पोर्शन टफ होता है तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं आने देना अपने दिमाग में इसलिए हम फर्स्ट लेक्चर से ही जहां भी हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं बिल्कुल रिसेंबलेंस के साथ हम उसको कनेक्ट करना चाहते हैं कंटिन्यूस के साथ कि आपका दोनों के लिए ही जो कॉन्सेप्ट हो वो बिल्कुल इक्वल रहे आप दोनों ही में कंफर्टेबल हो किसी में भी आपको ऐसा ना लगे कि कंटिन्यूस टफ है या डिस्क्रीट टफ है तो जैसे अगर सपोज हमने कहा कि x ऑफ n हमारे पास कोई सिग्नल गिवन है लेट लेट इज इज इट टू माइनस फोर प्लस पर हमारा ओरिजिन है तो अगर हम देखें तो फिर से हम यहां पर हमें क्या करनी है फोल्डिंग करनी है मतलब जो भी वैल्यूज पॉजिटिव t के लिए एग्जिस्ट कर रही थी हमने यहां फोल्डिंग किया इसका क्या मतलब था जो भी वैल्यूज पॉजिटिव टी के लिए एग्जिस्ट कर रही थी वो वैल्यूज अब उन्हीं नेगेटिव टी के लिए एग्जिस्ट करेंगी तो इसका मतलब अगर आप इसमें फोल्डिंग करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको यही करना है कि ओरिजिन तो अपनी ही जगह पर रहेगा ओरिजिन पर आप अगर फोल्डिंग भी करते हैं जैसे यहां पर आपने फोल्डिंग की तो ये जीरो का पॉइंट तो जीरो पर ही रहेगा लेकिन माइनस वन का पॉइंट अब प्लस वन बन जाएगा प्लस टू का पॉइंट अब माइनस टू बन जाएगा एंड सो ऑन तो यहां पर अगर आप देखें अगर आपको यहां प्लॉट करना होता एक्स ऑफ माइनस एन तो एक्स ऑफ माइनस एन के लिए ये ओरिजिन की वैल्यू को आप कॉपी कर लीजिए ओरिजिन की वैल्यू क्या हो गई कॉपी हो गई अब इसके बाद जो भी वैल्यूज एन की नेगेटिव साइड में थी वो सभी कहाँ जाएंगी पॉजिटिव साइड में तो जो सैंपल इस फाइव से जस्ट पहले था अब वो सैंपल कहाँ होगा फाइव के जस्ट बाद होगा जो सैंपल इस फोर से पहले था वो इस फोर के बाद होगा दैट इज माइनस टू एंड माइनस थ्री यहां पर जो वैल्यू इस फाइव के बाद थी अब वो वैल्यू फाइव के पहले होगी मतलब ये आपने सिग्नल फाइंड कर लिया एक्स ऑफ माइनस एन आपने क्या किया ओरिजिन को फिक्स रखते हुए सिग्नल को आपने फोल्ड कर दिया मतलब जो ये वैल्यू पॉजिटिव के लिए एग्जिस्ट कर रही थी एन की वैल्यू के लिए अब वो एनवल टू माइनस वन पर है जो चीज पहले equals to minus one पर थी प्लस वन पर है माइनस थ्री पर थी अब वो प्लस थ्री पर है तो ये आपका टाइम रिवर्सल ऑपरेशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स फिर से आप इसमें रिप्लेसमेंट देख सकते थे सेम वही चीजें एक बार हम बस देख लेते हैं एक्स ऑफ एन की वैल्यूज और एन की वैल्यूज और यहां पर आप देखेंगे एक्स ऑफ माइनस एन की वैल्यूज फॉर एन तो यहां पर अगर आपने देखा एक्स ऑफ एन में वैल्यूज थी थ्री माइनस टू माइनस फोर फाइव एंड टू और करिस्पॉन्डिंग एन की वैल्यूज क्या थी ये हमारा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री है मतलब ये एन इक्वल्स टू माइनस थ्री एन इक्वल टू माइनस टू एन इक्वल्स टू माइनस वन एन इक्वल टू जीरो एंड एन इक्वल्स टू वन तो अगर आपको एक्स ऑफ माइनस एन फाइंड करना है तो हमने पहले बात की एम्पलीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा सिर्फ हम सिग्नल को शिफ्ट कर रहे हैं पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड तो यहां पर एक्स ऑफ माइनस एन में भी वैल्यूज यही होंगी तो इन वैल्यूज को कॉपी कर लीजिए थ्री माइनस टू माइनस फोर फाइव एंड टू हमने ये वैल्यू सिंपली कॉपी कर ली सैंपल वैल्यूज हमने कॉपी कर ली अब आप अगर रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एन से मतलब ये जो वैल्यू पहले एन इक्वल्स टू माइनस थ्री थी अब ये माइनस एन की वैल्यू है माइनस थ्री ये माइनस एन की वैल्यू है माइनस टू माइनस एन की वैल्यू है माइनस वन माइनस एन की वैल्यू है जीरो और ये माइनस एन की वैल्यू है प्लस वन तो यहां से करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आपको मिलेंगी एन इक्वल्स टू प्लस थ्री एन इक्वल्स टू प्लस टू एन इक्वल्स टू प्लस वन एन इक्वल्स टू जीरो एंड एन इक्वल्स टू वन एन इक्वल्स टू माइनस वन तो इसलिए आपने देखा कि ये जो आप सिंगलर मिल रहा है आप किसी को भी कंपेयर करें एन इक्वल्स टू जीरो पर वैल्यू क्या होनी चाहिए फाइव आपको देख रहे पर वैल्यू क्या है तो ये रिप्लेसमेंट हर जगह काम करेगा हर ऑपरेशन में काम करेगा कंटिन्यूस में भी काम करेगा और डिस्क्रीट में भी काम करेगा। चलिए तो तो हम देख रहे थे time scaling operation. ठीक है, तो एक बार आप इस पर no तो आप इसको नोट no डाउन कर लीजिए क्या क्लियर नहीं है नॉट क्लियर लिखा है आपने तो बिल्कुल एक बार मुझे बताइएगा फिर मैं उसको करेंगे सर क्लास कितने देर की है क्लास Uh, ये आपकी थ्री पी तक क्लास है एक्स माइनस एन टू फाइव एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये हम बात की हमने देवाशीष अगर आप फर्स्ट सेशन में रहे होंगे तो हमने दो एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें सिग्नल इंटीग्रेबल था लेकिन एब्सल्यूटली इंटीग्रेबल नहीं था मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो वैल्यू हमारी नहीं थी इंटीग्रेबल सर सॉल्व करना हुआ एक्स ऑफ टू एन माइनस थ्री को एक्स एन बिल्कुल बिल्कुल बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि अभी जो आप एक्स ऑफ टू एन कह रहे हैं वो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन अभी हम देखने जा रहे हैं इसलिए अभी हमने उस कंबाइंड ऑपरेशन को हमने कभी कंसिडर नहीं किया है बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे आप इसको पूरा कर सकते हैं सर सॉल्व स्लोप वाला प्लीज बिल्कुल हम यहाँ पर स्लोप को डिस्कस करने वाले हैं अभी तो बस यहाँ ईजी मेथड आप यूज कीजिए क्योंकि हमको नोट्स बनाना है बिल्कुल आप नोट्स बनाइए सर ओके 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 ठीक है तो मैंने जैसे बोला कि सर से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं दांडे सर के लाइव लेक्चर्स को मैं और देखूंगा कि कैसे सर ये डील करते हैं यहां पर कि आपको नोट डाउन करने में और प्रॉपर समझने में प्रॉब्लम नहीं हो बिल्कुल आप इसको जहां पर भी आपको ऐसा लगता है तो आप इसको कर सकते हैं नोट डाउन के लिए हमने टाइम लिया है जो भी चीजें हमने लिखी हैं वो सभी चीजें यहाँ बोर्ड पर हैं एक दो चीजें बस हमने रब कर दी हैं ठीक है ठीक है बिल्कुल तो अब मैं जब ये पूरा बोर्ड वर्क हटाऊंगा तो उसके पहले मैं एक बार आपसे कंफर्म कर लूंगा कि आप सभी लोगों ने लिख लिया है सर रिकॉर्डेड सिग्नल कॉन्सेप्ट बता दीजिए जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल हम इसकी भी बात करेंगे जैसे आपने रिकॉर्डेड सिग्नल्स के कॉन्सेप्ट की बात की तो ये जो हम ऑपरेशन पढ़ रहे हैं जैसे हमने बात की अभी टाइम शिफ्टिंग की या हमने बात की टाइम रिवर्सल की तो ये सभी आप सिर्फ रिकॉर्डेड सिग्नल्स पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे मान लीजिए अभी जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप लाइव मुझे सुन रहे हैं तो मेरी जो बात थी उसको आप चार मिनट बाद शुरू नहीं कर सकते अभी ये चीज अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास नहीं है ये वीडियो तो आप इसको फोर मिनट्स बाद आप इसको शुरू नहीं कर सकते या इसको चार मिनट पहले आप ये चीज नहीं सुन सकते जो मैं अभी बोल रहा हूँ लेकिन अगर ये चीज एक बार रिकॉर्डेड हो गई उसके बाद आप इसको टाइम में कैसे भी शिफ्ट कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही टाइम रिवर्सल है अगर मान लीजिए आप कोई कैसेट प्ले कर रहे हैं जैसे पहले तो कैसेट्स होते थे अब तो सीडीज़ है तो अगर मान लीजिए कि कोई भी एक वर्ड है सपोज आपका कुछ नाम है आपका नाम जो भी आपका नाम दिख रहा है विनीत नाम दिख रहा है आपका तो सपोज हमने वॉइस में इस विनीत को प्रोनाउंस किया तो पहले आप जब टाइम एक्स ऑफ टी अगर आप देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में आप इसको प्रोनाउंस करेंगे विनीत अगर आप इसी को टाइम रिवर्सल इस सिग्नल पर अप्लाई कर देंगे जो सिग्नल जो वॉइस किसको प्रोनाउंस कर रही है विनीत को अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे सिग्नल एक्स ऑफ टी को तो अब ये कैसे पढ़ेगा इस वर्ड को ये टी से स्टार्ट होगा टी आई एन आई वी टीव इसको क्या पढ़ेंगे हम टीव ये क्या रिप्रेजेंट करेगा एक्स ऑफ माइनस टी को रिप्रेजेंट करेगा तो जैसा आप एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ माइनस टी के लिए क्या करते हैं आप पीछे की तरफ जाना मतलब जो भी चीजें पॉजिटिव साइड में थी वो सभी कहाँ आ गई हैं नेगेटिव साइड में आ गई हैं ऐसे ही जो टाइम शिफ्टिंग हमने देखा कि आप डिले एडवांस कर सकते हैं लेकिन किसको सिर्फ रिकॉर्डेड सिग्नल्स को तो अब हम इसी में अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं आ, सर बाकी दिन भी क्लासेस सिक्स आवर्स होंगी क्या देखिए ऋषभ तभी अगर आप सिक्स आवर्स डेडिकेशन है आपका तभी आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी टू डेज में अदरवाइज फिर ये सब्जेक्ट आपको वन एंड हाफ मंथ्स इस टाइप से जाएगा तो जितने कम टाइम में आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता है लेकिन बिल्कुल बहुत जरूरी है कि सारी चीजें आपको समझ में आई हो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा तो अगर आप उस स्पीड से अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको अगर मान लीजिए कि टेन डेज आप एक्स्ट्रा लेने वाले थे अब वो टेन डेज आप रिविजन में यूज कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर होंगे तो यहां हम सिक्स आवर्स की ही क्लास रखेंगे थोड़ा बहुत कम हो सकता है क्योंकि हो सकता है हम ब्रेक का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें अगर आप लोगों को कन्वीनियंट नहीं हो रहा है वन आवर का ब्रेक तो, तो हम देखेंगे उन चीजों को तो ठीक है तो आपने इसको नोट no डाउन कर लिया होगा तो अब हम देख रहे हैं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन इस ऑपरेशन के लिए फिर से हमारे पास सिग्नल जो गिवन होगा दैट विल बी एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ एन और उन गिवन सिग्नल्स के लिए हमें फाइंड करना होगा टू फाइंड आउट एक्स ऑफ अल्फा टी और ऑफ अल्फा एन तो पहले हम कंटिन्यूस टाइम के केस को देखते हैं कि अगर हमें फाइंड करना है टू एक्स ऑफ अल्फा टी तो यहाँ जो ये वर्ड हमने लिया है ये जो हमने कॉन्स्टेंट लिया अल्फा ये जो वैल्यू हमारी ये क्या हमारी इसको हम नाम देते हैं स्केलिंग फैक्टर ये क्या हमारा स्केलिंग फैक्टर है और अगर आपको फाइंड करना है हम सिर्फ पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं कि क्या क्या मेथड्स हम यूज करते हैं तो जैसे हमने टाइम शिफ्टिंग के लिए पहला मेथड देखा स्लाइड करना पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है राइट हैंड स्लाइड या लेफ्ट हैंड साइड फिर आपने जब देखा टाइम रिवर्सल तो हमने कहा फोल्ड कर देना ऐसे ही जो थर्ड आपका ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम स्केलिंग का कॉन्सेप्ट इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है जो भी एग्जिस्टिंग लिमिट्स हैं टू फाइंड एक्स ऑफ अल्फा टी वॉट यू हैव टू डू इज डिवाइड ऑल एग्जिस्टिंग लिमिट्स लिमिट्स ऑफ वॉट नॉट एम्पलीट्यूड लिमिट्स ऑफ टाइम जो भी टाइम की वैल्यूज हैं उन सभी टाइम की वैल्यूज को आपको डिवाइड करना है उन सभी टाइम की वैल्यूज को आपको डिवाइड करना है किससे बाई स्केलिंग फैक्टर बाई स्केलिंग फैक्टर अल्फा क्या लिखा हमने अगर हमें एक्स ऑफ टी सिग्नल चाहिए तो वो सिग्नल जहां जहां से जहां तक एग्जिस्ट कर रहा है टाइम के उन सारे इंस्टेंट्स को आपको डिवाइड करना है किससे स्केलिंग फैक्टर अल्फा से जहां स्केलिंग फैक्टर हमने नाम दिया इस को तो अगर आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं अगर मान लीजिए कि आपके पास ये कोई सिग्नल है सपोज हम इजी एग्जाम्पल ही लेते हैं यहां पर भी सपोज हमारे पास ये एक सिग्नल था जो एग्जिस्ट कर रहा था इसकी वैल्यू सपोज हमने कह दिया ये वैल्यू कितनी थी टेन ये हमारा सिग्नल है एक्स ऑफ टी अब यहां पर अगर आप दो सिग्नल फाइंड करना चाहें विध रिस्पेक्ट टू टी फर्स्ट अगर आप फाइंड करें एक्स ऑफ टू टी और अगर आप इसी के नीचे फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू टी अगर आप फाइंड करें एक्स ऑफ टी बाई फोर ये दो सिग्नल्स हमने लिया है दोनों सिग्नल्स को अगर आप करें कंपेयर एक्स ऑफ अल्फा टी से तो इस केस में जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो क्या है टू है अगर इसको आपने कंपेयर किया एक्स ऑफ टी अल्फ़ा टी से तो यहां पर आपको अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिख रही है वन बाई फोर दिख रही है तो इन दोनों ही केसेस में हमें ये सिग्नल्स कैसे मिलेंगे हमें इन लिमिट्स को डिवाइड करना है किसी स्केलिंग फैक्टर से तो अगर आपने इस फोर को टू से डिवाइड किया तो आपको क्या वैल्यू मिली टू तो ये सिग्नल कहाँ से शुरू होगा

अगर वन बाई फोर है आप वन बाई फोर से अगर किसी चीज को डिवाइड करेंगे इसका मतलब अल्टीमेटली आप फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर इंटू फोर क्या वैल्यू मिलेगी सिक्सटीन और टेन इंटू टेन क्या टेन इंटू फोर क्या वैल्यू मिलेगी आपको टेन इंटू फोर दैट विल बी फोर्टी तो मतलब ये वैल्यू अब हमारी एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम सिक्सटीन टू फोर्टी अब ये वैल्यू हमारी कहां से कहां तक रिप्रेजेंटेड है फोर को हमने वन बाई फोर से डिवाइड किया सिक्सटीन टेन को हमने वन बाई फोर से डिवाइड किया फोर्टी तो ये एक सिंपल मेथड है जिससे आप फाइंड कर सकते हैं एक्स ऑफ अल्फा टी अभी भी एम्पलीट्यूड पर कोई फर्क नहीं है मतलब एम्पलीट्यूड पहले भी टेन था और अभी भी एम्पलीट्यूड कितना है टेन है तो अगर आप इस सिग्नल को देखें और इस सिग्नल को देखें पहले अगर हम इस सिग्नल की टाइम विदते अगर हम ये देख रहे हैं टाइम वेट तो अभी ये विड्थ कितनी है फोर से टेन तक मतलब ये विथ कितनी है सिक्स

कि ये स्केलिंग फैक्टर अल्फा या तो ग्रेटर देन वन होगा या तो ये स्केलिंग फैक्टर अल्फा लेस देन होगा तो अगर हमारा अल्फा ग्रेटर देन वन है जैसे ये जो फर्स्ट केस हमने लिया है तो जो सिग्नल पहले सिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एग्जिस्ट कर रहा था अब उसके ड्यूरेशन का एग्जिस्टेंस कम हो गया वो सिर्फ कितने ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं थ्री ड्यूरेशन में तो अगर किसी चीज के ड्यूरेशन का एग्जिस्टेंस कम हो रहा है मतलब आप कह सकते हैं क्या हो रहा है सिग्नल का कंप्रेशन हो रहा है अगर यहां देखें हम तो पहले जो विड्थ 6 थी अब वो विड्थ 24 हो गई इसका मतलब क्या हो रहा है विड्थ का एक्सपेंशन हो रहा है तो जब अल्फा की वैल्यू छोटी होगी 1/1 से जब अल्फा 1 से छोटा होगा तो सिग्नल का एक्सपेंशन होगा जब अल्फा 1 से बड़ा होगा तो सिग्नल का कंप्रेशन होगा तो यहां पर आप इस चीज को लिख सकते हैं इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1 देन कंप्रेशन विल टेक प्लेस एंड इफ अल्फा इज लेस देन 1 देन एक्सपेंशन ऑफ सिग्नल विल टेक प्लेस अब अगर मान लीजिए अभी हमने पीरियॉडिसिटी की बात नहीं की है लेकिन फिर भी इतना हम बेसिक यहां पर डिस्कस कर सकते हैं कि आप जानते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन t f, या टीज टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का ये रिलेशन है अगर मान लीजिए कि ऐसे पल्स रिपीटेड होते फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मतलब अगर यही सिग्नल क्या होता एक पीरियॉडिक सिग्नल अगर होता तभी भी इसके एक पीरियड की वृत्त क्या हो गई कम हो गई तो विड्थ अगर कम हो गई मतलब टाइम पीरियड अगर कम हो गया तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी इंक्रीज हो गई तो ये जो भी हमने लिखा है कंप्रेशन या एक्सपेंशन ये हम टाइम डोमेन के लिए लिख रहे हैं कि एक्स ऑफ टी सिग्नल का एक्स ऑफ टी सिग्नल का टाइम डोमेन में क्या होगा कंप्रेशन अगर अल्फा वन से बड़ा है होगा एक्सपेंशन अगर अल्फा वन से छोटा है लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करेंगे किसी पीरियोडिक सिग्नल पर अगर आपने स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसकी टाइम विथ हर पीरियड की कम होगी इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी इंक्रीज करेगी तो इसका इनवर्स आपको लेना है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी तो इसको नोट no डाउन कर लीजिए इसके बाद फिर हम इसी को दूसरे मेथड से समझेंगे जो हमारा रिप्लेसमेंट का मेथड है और फिर हम डिस्क्रीट के केस में जाएंगे कि कैसे हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पर ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो नोट no डाउन कर लीजिए इस बीच में मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं अगर कुछ डाउट्स होंगे आपके सर कॉन्जुगेट सिमेट्रिक का क्या मतलब है वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन अभी के लिए नहीं है तो थोड़ा सा नरगसी नागाश्री सॉरी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए डेफिनेटली आपको ये सभी चीजें हम बताएंगे यहां पर बिल्कुल डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ओके नोटेड नोट डाउन नोट डन ओके 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 आपका कमेंट सूरज मैं नहीं ले पा रहा हूं तो रियली uh, सॉरी really लेकिन बहुत सारे कमेंट्स एक साथ आते हैं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता uh, सर ओके ठीक है सर रिकॉर्डेड सिग्नल वंस अगेन मैंने बता दिया आपको रिकॉर्डेड सिग्नल्स के बारे में श्वेता ओके okay, नोटेड तो आप सभी ने नोट कर लिया है तो अब हम यहां पर नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा मेन मेथड है दैट इज रिप्लेसमेंट उस मेथड से हम इसी स्केलिंग को समझेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट के केस में यही स्केलिंग तो <coughs> हम फिर से कोई एक सिग्नल ले लेते हैं और उसके लिए हम रिप्लेसमेंट्स के थ्रू देखते हैं कि जो हमारा प्रोसीजर अभी हमने देखा क्या वो सभी चीज़ें प्रॉपरली फॉलो हो रही हैं रिप्लेसमेंट के केस में या नहीं हो रही तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक सिग्नल लिया ये जो सिग्नल अभी आपने लिया था यही सिग्नल हम ले लेते हैं जो फोर से टेन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है ये हमारे पास सिग्नल है एक्स ऑफ टी दैट इज़ एग्जिस्टिंग इन बिटवीन फोर एंड टेन फोर और टेन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है सिग्नल इसकी वैल्यू है टेन ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू टी तो इसके नीचे हम बनाएंगे एक्स ऑफ टू टी एक्स के नीचे हम बनाएंगे एक्स ऑफ जो भी हमें फंक्शन लेना सपोज अगर हम देखना चाहते हैं फंक्शन अपना एक्स ऑफ टू टी तो अगर आप सबसे पहले तो इस सिग्नल को अगर आप मैथमेटिकल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो क्या लिखेंगे आप, आप लिखेंगे एक्स ऑफ टी इज टेन बट ओनली इफ टी इज इन बिटवीन फोर एंड टेन ये दिख रहा है हमें एक्स ऑफ टी की वैल्यू टेन है लेकिन सिर्फ किस रीजन में जब टी वैल्यू फोर से टेन के बीच है एंड इट मे बी रिटर्न करना है ऑफ फाइंड करना है तो हमने क्या किया इस टी को रिप्लेस किया किससे टू टी से तो यहां जहां भी टी है उस टी को भी हम रिप्लेस करेंगे किससे टू टी से तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा एक्स ऑफ टू टी विल अगेन है टू टी इन बिटवीन फोर एंड टेन एंड इट विल भी जीरो अदरवाइज तो अगर आप यहां से लिमिट सॉल्व करते अगर आपने कहा 2t टी लेस देन फोर इसका मतलब t लेस देन अगर आप यहां से देखते तो 2t टी इज ग्रेटर देन फोर मीन्स टी इज ग्रेटर देन टू ठीक है तो यहां से आप अगर फाइंड करेंगे तो आपको जो t की रेंज मिलेगी वो t की रेंज क्या मिलेगी टू से लेकर फाइव तक यह आप अगर इस इन को सॉल्व करेंगे अब आप बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे इसको सॉल्व करने में अगर आपने इन दोनों पहले देखा 2t टी ग्रेटर देन फोर सो टी ग्रेटर देन टू तो यही हमने फर्स्ट लिमिट लिखी है टी मस्ट बी ग्रेटर देन फिर हमने देखा टू टी मस्ट बी लेस देन टेन देयर फॉर टी मस्ट बी लेस देन फाइव तो ये आपको दूसरी लिमिट मिल गई टी लेस देन फाइव दोनों को कंबाइन कर दिया ये लिमिट मिल गई तो इसलिए आप अगर इस सिग्नल को ड्रॉ करते तो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते थे विद रिस्पेक्ट टू टी सिग्नल एक्स ऑफ टू टी जिसमें वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती फ्रॉम टू टू फाइव तो ये हमारे पास सिग्नल है जिसमें टू टू फाइव इस सिग्नल की वैल्यू कितनी है टेन सेम रिजल्ट मिला था हमें जब हमने अपने स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड किया था अगर हमारा स्केलिंग फैक्टर टू है हमने इन दोनों लिमिट्स को अगर टू से डिवाइड कर दिया तो हमें यही रेंज मिलेगी टू से लेकर फाइव तक सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी टेन तो हमने अभी ये देखा है कि कंप्रेशन होगा अगर स्केलिंग फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है एक्सपेंशन होगा अगर स्केलिंग फैक्टर की वैल्यू लेस देन वन है ठीक है तो चलिए अब हम यही चीजें अगर देखें केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल तो ये इंपॉर्टेंट है स्केलिंग ऑन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स तो आप नोट no डाउन भी करते रहेंगे बीच में छोटी चीजें हैं इतना तो टाइम भी नहीं लगेगा आपको नोट करने में तो स्केलिंग ऑन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यहां पर भी आपको क्या फाइंड करना होगा एक्स ऑफ अल्फा एन ठीक है अब यहां पर भी सेम कंडीशन है कि यह हमारा अल्फा की वैल्यू अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन वन है एंड इफ अल्फा इज लेस देन वन सपोज इस केस में जैसे आप अगर कहें इफ अल्फा इज ग्रेटर देन वन तो इस केस को आप नाम देते हैं डेसीमेशन इस कंडीशन को आप नाम देते हैं डेसीमेशन और अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन वन है तो यहां जो आप केस कंसिडर करते हैं इसको आप नाम देते हैं इंटरपोलेशन यह आपका क्या है इंटरपोलेशन तो जैसा यहां पर होता था कि अगर अल्फा की वैल्यू वन से छोटी है तो एक्सपेंशन होगा वन से बड़ी है तो कंप्रेशन होगा यहां पर टाइम विर्थ की बात हम नहीं करते हम नंबर ऑफ सैंपल्स की बात करते हैं तो यहां पर भी अगर हम एक्सपेंशन की वर्ड की यूज करते तो एक्सपेंशन वर्ड का मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स का इंक्रीज हो जाना और डेसीमेशन का मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स का रिड्यूस हो जाना तो जब हम अल्फा की वैल्यू वन लेंगे तो हम देखेंगे कि एक्सो वन से बड़ी लेंगे तो जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स एक्स ऑफ एन में होंगे उससे कम नंबर ऑफ सैंपल्स आपको एक्स ऑफ अल्फा एन में मिलेंगे अगर अल्फा की वैल्यू वन से छोटी होगी तो नंबर ऑफ सैंपल्स जो आपको एक्स ऑफ एन में मिलेंगे एक्स ऑफ अल्फा एन में वो एक्स ऑफ एन में जितने सैंपल्स थे उससे ज्यादा मिलेंगे तो अब इन चीजों को हम सेपरेटली देखते हैं एक चीज और जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं ठीक है इसको अलग अलग ही देख लेते हैं फर्स्ट अगर हमने लिया डेसीमेशन का केस डेसीमेशन अब कैसे आप परफॉर्म करेंगे डेसीमेशन दैट इज डेसीमेशन अगर हमने लिख दिया मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन वन है अगर डेसीमेशन की हम बात कर रहे हैं मतलब अल्फा ग्रेटर देन वन है अब यहां पर आपको ऐसे समझना है सपोज हमने कोई एक सिग्नल लिया ऑफ फैन दैट इज इक्वल इट इज हैविंग वैल्यूज लाइक टू माइनस फोर फाइव थ्री वन ये अगर हमारा कोई सिग्नल है एक्स ऑफ एन जिस एक्स ऑफ एन की वैल्यू ये माइनस फोर पर अगर हमने ओरिजिन कंसिडर कर लिया ये एक्स ऑफ एन है और अगर इस गिवन सिग्नल के लिए अगर हमें फाइंड करना है टू फाइंड एक्स वन ऑफ एन सिग्नल एक्स वन ऑफ एन विच इज है जो इस एक्स ऑफ एन सिग्नल से कैसे रिलेटेड है एक्स ऑफ अल्फा एन के थ्रू जिसमें अल्फा की वैल्यू कितनी दिख रही है अल्फाइज टू वॉट थ्री ग्रेटर क्या नाम देने वाले, है? नाम देने वाले है. है? अब अगर आप यहां से देखें इस एक्स ऑफ एन सिग्नल में अगर पूछा जाए आपसे कि इस एक्स ऑफ एन सिग्नल की वैल्यू एन इक्वल टू टू क्या है तो आपको दिख रहा है ये ओरिजिन है इसका मतलब N है, N value, N है. मतलब इस फाइव को हम और क्या लिख सकते थे और ये क्या हमारी वैल्यू एक्स ऑफ माइनस वन ठीक है अब इसको अलग अलग तरीके से कैसे आप देख सकते हैं सपोज हमने एक्स वन ऑफ जीरोना चाह ठीक है एक्स वन ऑफ एन क्या है हमारा हम पहले बेसिक मेथड देखते हैं फिर हम देखेंगे कि कैसे हम बिना कोई ऑपरेशन लगाए एक सेकंड में आप इस एक्स ऑफ एन के लिए एक्स ऑफ थ्री एन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे लेकिन पहले हमें बेसिक प्रोसीजर समझना है कि वैसा हम क्यों कर पाएंगे तो एक्स वन ऑफ जीरो अगर इस रिलेशन से हम अगर एक्स वन ऑफ सिग्नल प्लॉट करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए एन की सभी वैल्यूज के लिए हमारा ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए हमें इस फंक्शन की वैल्यू देखनी है कि एन इक्वल्स टू जीरो पर क्या वैल्यू होगी वन पर क्या वैल्यू होगी माइनस वन पर क्या वैल्यू होगी एंड सो ऑन तो अगर हमने यहां पर एनिक्वल टू जीरो थ्री इंटू जीरो हमें वैल्यू किसके बराबर मिलेगी एक्स ऑफ थ्री इंटू जीरो की वैल्यू कितनी है अगर आप एक्स ऑफ एन सिग्नल है आपके पास तो आपने देखा ऑफ जीरो की वैल्यू है माइनस फोर तो इसका मतलब एक्स वन ऑफ जीरो की भी वैल्यू एट एनिक्वल टू जीरो की वैल्यू के बराबर फोर अगर आपने देखा एक्स ऑफ एक्स वन ऑफ माइनस वन एक्स वन ऑफ माइनस वन अगर आप नेगेटिव वैल्यू कोई लेते N में तो minus अगर आपने N की वैल्यू पुट की जगह पर क्या पुट किया जो सिग्नल है वो सिर्फ माइनस वन से प्लस थ्री तक डिफाइंड है एन की वैल्यूज के लिए इसका मतलब इसके पहले सिग्नल जीरो वैल्यूज हैं इसके बाद भी सिग्नल में सिर्फ जीरो तो पर सिग्नल की वैल्यू कितनी है जीरो इसलिए हमें और नेगेटिव में वैल्यूज चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हम एन इक्व टू माइनस टू पुट करेंगे तो एक्स वन ऑफ माइनस टू की वैल्यू एक्स ऑफ माइनस सिक्स के बराबर होगी जो हमें गिवन है जीरो इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज अब इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं तो अगर आपने एक्स वन ऑफ वन देखा अगर हमने एन की जगह वन पुट किया तो एक्स वन ऑफ वन इज वॉट एक्स ऑफ थ्री इंटू वन सो इट विल बी एक्स ऑफ थ्री एक्स ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी है एक्स ऑफ थ्री की वैल्यू है वन तो ये हमें वैल्यू मिल गई वन अब अगर आप इसमें कोई भी और बड़े इंटीजर पर देखेंगे वैल्यू सपोज हमने एन की वैल्यू टू पुट करना चाहा तो एक्स वन ऑफ टू अगर आपने यहां एन की वैल्यू टू पुट किया यहां भी आप टू पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिली एक्स ऑफ सिक्स और एक्स ऑफ सिक्स अगर आप देखें तो सिग्नल सिर्फ थ्री तक के लिए नॉन जीरो है इसके बाद वैल्यूज क्या है जीरो मतलब ये वैल्यू कितनी है आपकी जीरो तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कि जो एक्स ऑफ एक्स वन ऑफ एन सिग्नल होगा अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें या हम लिखना चाहें सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन में तो एक्स वन ऑफ एन सिग्नल की वैल्यूज आप लिख सकते हैं कैसे लिखते हैं हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की वैल्यू कीजिए तो आपको सबसे मोस्ट पॉइंट क्या दिख रहा है? तो है, तो है. तो है, तो है ये सिर्फ दो वैल्यूज इसमें मिल रही -4 1. और ये -4 कहां है कहाँ पर वैल्यू है ओरिजिन पर वैल्यू है ये आपने देख लिया कि इस एक्स वन ऑफ एंड सिग्नल की वैल्यू ओरिजिन पर कितनी है माइनस फोर चाहे हम उसके पहले देखें सारी वैल्यू जीरो हैं पर वैल्यू है, है ये हमने एन इक्वल्स टू वन पर वैल्यू इसके बाद की सारी वैल्यूज देख लें तो क्या मिलेगी जीरो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर अल्फा ग्रेटर देन वन था तो पहले इस सिग्नल में वन टू थ्री फोर फाइव सैंपल्स थे पहले कितने सैंपल्स थे फाइव लेकिन अगर अल्फा वन से बड़ी वैल्यू है और हमने एक्स वन ऑफ दैट इज एक्स ऑफ अल्फा एंड फाइंड किया अब इसमें कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं सिर्फ टू सैंपल्स हैं मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स क्या हो गए रिड्यूस हो गए तो जैसे कंटिन्यूस टाइम के केस में जो टाइम विथ थी वो रिड्यूस होती है वैसे यहां पर डिस्क्रीट के केस में जो नंबर ऑफ हैं वो रिड्यूस होंगे किस केस में डेसीमेशन के केस में दैट इज फॉर अल्फा ग्रेटर देन अब अगर इसी चीज को आपको डायरेक्टली फाइंड करना होता तो आप इसको डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं इसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए फिर इसके आगे हम डिस्कस करते हैं यही सेम आप जो रिजल्ट आपको मिल रहा है कैसे आप बिना इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बना सकते थे या फिर एक चीज़ और आप देख सकते हैं अभी जो हमने इसमें यूज़ किया वो हमने ये चीज़ यूज़ की है कि हमारे पास एन की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास सिग्नल एक्स ऑफ एन था और हमने फिर रिप्लेसमेंट के थ्रू हमने एक्स ऑफ थ्री एन फाइंड किया फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन ठीक है तो एक्स ऑफ एन में क्या वैल्यूज थी ये वैल्यूज थी हमारी टू माइनस फोर फाइव थ्री एन वन ये हमारी वैल्यूज थी 2 4 5 3 एंड 1 ये वैल्यू हमारी थी फॉर n equals to minus -1 ये फॉर n equals to 0 n equals to 1 n equals to 2 एंड n equals to 3 ये हमारे पास सिग्नल था x(n) अब हमने क्या रिप्लेसमेंट किया इस n को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे 3n से लेकिन एम्पलीट्यूड पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो एम्पलीट्यूड कॉपी कर लीजिए 2 4 5 3 एंड 1 और अब आपको इसको रिप्लेस करना है जो पहले एन को रिप्रेजेंट कर रहा था अब वो किसको represent कर रहा है? अब वो 3n को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप लिखेंगे टू थ्री तो आप जानते हैं कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स सिर्फ

ये जो टू वैल्यू थी ये हमारे एक्स ऑफ थ्री एन में नहीं आएगी क्योंकि ये कहां पर आती एन की नॉन इंटीजर वैल्यू पर जो पॉसिबल नहीं है इसलिए ये सैंपल हमारे एक्स ऑफ थ्री एन में नहीं आएगा नेक्स्ट अगर आपने देखा थ्री एन इक्वल्स टू जीरो या फिर अगर आप यहां से फाइंड करेंगे तो आपको एन की वैल्यू भी क्या मिलेगी जीरो मिलेगी तो डेफिनेटली ये सैंपल आपके सिग्नल में आएगा फिर आपने देखा थ्री एन इक्वल टू वन सो दैट यू कैन से एन इक्वल्स टू प्लस वन बाई थ्री अगेन इट इज नॉट एन इंटीजर एंड एज इट इज नॉट एन इंटीजर देयर फॉर दिस वैल्यू विल नॉट कम इन द सिग्नल एक्स ऑफ थ्री एन क्योंकि यहाँ पर फिर से एन की वैल्यू हमें इंटीजर नहीं मिली यहाँ से भी आप अगर देखें इफ थ्री एन इक्व टू टू देन एन इक्वल्स टू वॉट टू बाई थ्री अगेन इट इज नॉट एन इंटीजियर ये हमारा फिर से अगर इंटीजर नहीं है तो ये वैल्यू भी हमारे सिग्नल में नहीं आएगी यहाँ देखा आपने थ्री एन इक्वल्स टू थ्री देर फॉर यू कैन राइट एन इक्वल्स टू वॉट वन विच इज एन इंटीजर और अगर ये इंटीजियर है तो ये वैल्यू हमारे सैंपल में आएगी मतलब एक्स ऑफ थ्री एन सिग्नल में सिर्फ कौन कौन से सैंपल्स आ रहे हैं सिर्फ दो टिक मार्क आपको दिख रहे हैं मतलब सिर्फ ये दो वैल्यूज आएगी माइनस फोर और आएंगी? किया, -4 और 1. तो, ये तो हमने देख लिया बेसिक प्रोसीजर कि हम कैसे X of N से X of को करते हैं हमने दोनों मेथड से देख लिया अब हम तीसरा मेथड यहां पर देख रहे हैं कि कैसे रिप्लेसमेंट्स के थ्रू आप देख सकते थे <coughs> बिना रिप्लेसमेंट्स के थ्रू मतलब जब भी आपको फाइंड करना हो यहां पर हम लिख लेते हैं आप इसको भी नोट डाउन करेंगे ये भी दूसरा प्रोसीजर है तो यह भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट अगर हम देखें टू फाइंड जो बेसिक रूल है एक्स ऑफ अल्फा एन वेयर अल्फा इज एनी इंटीज़र विच इज ग्रेटर देन वन अगर हमें एक्स ऑफ n से x ऑफ अल्फा n फाइंड करना है जहां पर अल्फा कोई इंटीजर है जो क्या है वन से बड़ा है तो कैसे फाइंड करेंगे हम स्टार्ट करेंगे कहां से स्टार्ट विथ सैंपल एट ओरिजिन एंड इट विल बी मेंटेन वट डज इट मीन बाय मेंटेन जो भी वैल्यू जो भी वैल्यू एक्स ऑफ एन की थी एट ओरिजिन सेम वैल्यू एक्स ऑफ अल्फा एन की भी होगी कहां पर ओरिजिन पर तो ओरिजिन के सैंपल को कॉपी कर लीजिए पहला स्टेप क्या है ओरिजिन के सैंपल को कॉपी कर लीजिए जो भी एक्स ऑफ एन का सैंपल था ओरिजिन पर वही सैंपल होगा एक्स ऑफ अल्फा एंड का भी ओरिजिन पर उसके बाद आपको दोनों तरफ मूव करना है राइट हैंड साइड भी मूव करना है सिग्नल के लेफ्ट हैंड साइड भी मूव करना है सिग्नल के देन मूव ऑन आइदर साइड एंड टेक सैंपल्स ऑफ एक्स ऑफ एन Skipping alpha minus one samples। देखिए हमने क्या लिखा है हमने ये लिखा है कि x of n की जो वैल्यू होगी ओरिजिन पर वही वैल्यू हमें कॉपी कर लेना है x of alpha n के लिए भी उसके बाद हम x of n के ओरिजिन से बढ़ेंगे दोनों तरफ राइट हैंड साइड में भी बढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी बढ़ेंगे और उसके बीच में ऐसा नहीं कि उसके सारे सैंपल्स को हम लेते जाएंगे हमें क्या करना है सैंपल्स को स्किप करना है कितने सैंपल्स को स्किप करना है हमें हर बार जीरो के जैसे ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया तो अल्फा माइनस वन सैंपल्स को हम स्किप करते जाएंगे जैसे यहां पर जो हमने सिग्नल लिया था अगर आप देखें तो यहां पर ही हम लिख देते हैं ये जो हमारा सिग्नल था ऑफ फैन ये सिग्नल हमने लिया था टू माइनस फोर फाइव थ्री एंड वन टू माइनस फोर फाइव थ्री एंड वन ठीक है ये हमने ओरिजिन कहाँ पर रखा है ये ओरिजिन हमने माइनस फोर पर रखा तो अगर हमें इस सिग्नल एक्स ऑफ एन से क्या ड्रॉ करना था हमें ड्रॉ करना था एक्स ऑफ थ्री एन जिसमें अल्फा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास थ्री थी तो हमने क्या स्टेप्स लिखे हैं इस ओरिजिन की वैल्यू को हमें कॉपी करना मतलब जो वैल्यू ओरिजिन पर एक्स ऑफ एन में होगी वही वैल्यू ओरिजिन पर एक्स ऑफ थ्री एन में भी होगी अब इसके बाद आपको दोनों तरफ मूव करना है और आपको कुछ सैंपल्स स्किप करने हैं कितने सैंपल्स स्किप करने हैं

उसके बाद इन दो जीरोस को नहीं लेते फिर ये सैंपल हम लेते फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टू सैंपल्स नहीं लेते फिर हम उसके बाद का सैंपल लेते लेकिन इसके बाद सारे सैंपल जीरो हैं तो हमें इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है इसलिए हम यहीं तक लेंगे ऐसे ही इसके पीछे भी आप ओरिजिन की वैल्यू आपने ले ली और ओरिजिन के पहले आपको दो सैंपल स्किप करना था तो दो सैंपल्स है ही नहीं एक ही सैंपल था यह सैंपल तो आप स्किप करेंगे ही इसके बाद का भी एक और सैंपल स्किप करना था और उसके बाद का आपको सैंपल लेना था लेकिन क्योंकि वो सारी वैल्यूज जीरो हैं इसलिए इसके पहले कोई वैल्यूज नहीं आएंगी और ये आपका सिग्नल आपको मिल गया x ऑफ 3n जैसा आपने चाहे इस प्रोसीजर से देखा या फिर आपने डायरेक्टली इस प्रोसीजर से देखा तो आपको सिंपली क्या करना है स्टार्ट विद द ओरिजिन यहां फोकस कर दीजिए कैमरा आपको करना क्या है ओरिजिन से स्टार्ट कीजिए ओरिजिन की वैल्यू को कॉपी कर लीजिए फिर दोनों तरफ मूव करना शुरू कीजिए अल्फा माइनस वन वैल्यूज को स्किप करते जाइए और फिर नेक्स्ट वैल्यूज जो आएंगी वो वैल्यूज आप लेते जाइए तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है फॉर वैल्यू ऑफ अल्फा लेस देन वन अब जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि आपको फाइंड करना है टू फाइंड एक्स वन ऑफ एन

हमारे पास सपोज एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है दैट इज वन टू थ्री फोर यहां पर अगर हमने टू पर ओरिजिन कंसीडर कर लिया इसका मतलब फिर से आपको पता है कि ये जो वैल्यू हमने लिखी है वन ये हमारा एक्स ऑफ एन है एट एनिक्वल्स टू माइनस वन ये हमारा एक्स ऑफ जीरो है ये वैल्यू हम इसको नाम दे सकते हैं एक्स ऑफ वन और इसको हम नाम दे सकते हैं एक्स ऑफ

एन इक्वल्स टू जीरो दैट इज एक्स वन ऑफ जीरो अगर आप देखना चाहते हैं एन की जगह आपने जीरो पुट किया यहां भी पुट कीजिए तो एक्स ऑफ जीरो बाई थ्री क्या वैल्यू होगी एक्स ऑफ जीरो ओनली तो एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी थी टू इसलिए एक्स वन ऑफ एन की भी वैल्यू एट ओरिजिन मतलब एट क्या वैल्यू मिलेगी जो एक्स ऑफ एन की वैल्यू थी जीरो पर मतलब टू मिलेगी नेक्स्ट अगर आप देखें एक्स वन ऑफ वन एक्स वन ऑफ वन के लिए यहां पर अगर आपने वन पुट किया देन इट विल बी एक्स ऑफ वन बाई थ्री अब फिर से आपने देखा कि ये x ऑफ n या x1 वन ऑफ एन ये सभी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं तो n की इंटीजर वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड होंगे तो अगर आपने x ऑफ वन बाई थ्री देखा क्योंकि ये इंटीजर नहीं है अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड ठीक है ये अगर हम देख रहे हैं क्या x ऑफ n बाई थ्री देख रहे हैं तो अगर हमने वन पर देखा तो वन बाई थ्री ये क्या होगा नॉट डिफाइंड अगर आपने लिया एक्स वन ऑफ टू तो टू पर भी ये चीज आपको इंटीजर नहीं मिलेगी आपने यहां पर एन की जगह टू पुट किया अगेन इट इज एक्स ऑफ टू बाई थ्री विच इज नॉट इंटीजियर सो अगेन इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफाइंड अगर आपने थ्री पुट किया एक्स वन ऑफ थ्री अगर आप देखना चाहते तो एक्स वन ऑफ थ्री की वैल्यू एक्स ऑफ थ्री बाई थ्री एक्स ऑफ थ्री बाई थ्री वैल्यू क्या है एक्स ऑफ वन और एक्स ऑफ वन की वैल्यू कितनी है एक्स ऑफ वन की वैल्यू आपको दिख रही है सिग्नल में थ्री है ऐसे ही अगर आप एक्स वन ऑफ फोर देखेंगे या फिर आप एक्स वन ऑफ फाइव देखेंगे तो ये सभी वैल्यूज आप यहां पर एन की जगह फोर पुट करें या फाइव पुट करें ये आपको इंटीजर नहीं मिलेगा इसलिए पर पर या 5 पर ये सभी वैल्यूज क्या होंगी Undefined होंगी अनडिफाइंड ठीक है ये वैल्यूज डिफाइंड नहीं है क्योंकि फोर लें हम एन या फाइव लें इस रिलेशन से एन हमें इंटीजर नहीं मिल रहा इसलिए सभी वैल्यूज क्या होंगी डिफाइंड नहीं होंगे फिर आप देख सकते हैं एक्स ऑफ सिक्स तो अगर आप एन इक्वल्स टू सिक्स पुट करेंगे सिक्स बाई थ्री क्या वैल्यू मिलेगी आपको एक्स ऑफ टू और एक्स ऑफ टू की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास ऑफ इज तो इसके आगे हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां तक ले चुके हैं इसके बाद फिर क्या होता एक्स ऑफ सेवन एक्स ऑफ एट की वैल्यू अनडिफाइंड होती क्योंकि आप यहां करें, या करें आपको इंटीजर नहीं मिलेगा तो वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी जब हम नाइन पुट करते नाइन बाई थ्री हमें वैल्यू मिलती एक्स ऑफ थ्री लेकिन क्योंकि एक्स ऑफ थ्री जीरो हम उन वैल्यूज को नहीं ले रहे अब अगर फिर से आप नेगेटिव साइड में देखेंगे तो नेगेटिव साइड में भी अगर हमने देखा एक्स वन ऑफ माइनस वन या फिर हम देखें एक्स वन ऑफ माइनस टू तो ये वैल्यू क्या होगी फिर से आप यहां माइनस वन या माइनस टू पुट करेंगे फिर से आपको ये वैल्यू इंटीजर नहीं मिलेगी इसलिए फिर से ये वैल्यूज क्या होंगी अनडिफाइंड होंगी ठीक है ये वैल्यूज हमारी फिर से क्या है अनडिफाइंड है अब आप अगर देखेंगे एक्स वन ऑफ माइनस थ्री देन इट विल बी

तो ये वैल्यू मिलती है एक्स ऑफ माइनस टू क्योंकि x of -2 और उसके पहले की वैल्यू जीरो हैं इसलिए हमें लेने की जरूरत नहीं है तो आप अगर देखें तो हमें क्या वैल्यूज मिल रही हैं इस सिग्नल में ये वैल्यूज थी 1, 2, 3, 4. अगर आप देखें तो ऑफ आपको 2 मिल रहा है मतलब ये सैंपल आ रहा है एक्स वन ऑफ थ्री आपको थ्री मिल रहा है मतलब ये सैंपल भी आ रहा है एक्स वन ऑफ सिक्स आपको फोर मिल रहा है मतलब ये भी सैंपल आ रहा है और एक्स वन ऑफ माइनस थ्री आपको वन मिल रहा है मतलब ये भी सैंपल आ रहा है इसका मतलब अगर हम एक्स ऑफ एन में जितने भी सैंपल्स थे अगर हमने एक्स ऑफरपोलेट किया है तो एक्स ऑफ एन के सारे सैंपल्स एक्स वन ऑफ एन दैट इज एक्स ऑफ एन बाई थ्री में भी आएंगे अब उसके साथ हमें क्या दिख रहा है कि बीच में जो है, पॉइंट्स हैं चाहे एनिक्वल्स टू वन पर देखें हम या एनिक्वल्स टू टू पर देखें तो वैल्यूज कैसी हो रही हैं नॉट डिफाइंड है डिफाइंड नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पर इंटरपोलेशन में कुछ वैल्यूज अपेंड करते हैं जहाँ पर वैल्यूज डिफाइंड नहीं है वहां पर हम कुछ वैल्यूज अपेंड करते हैं अब वो हम क्या वैल्यूज अपेंड करेंगे वो डिसाइड करता है हमारा टाइप ऑफ इंटरपोलेशन तो अब हम यहां पर देख लेते हैं एक बार टाइप्स ऑफ इंटरपोलेशन टाइप्स ऑफ इंटरपोलेशन तो नॉर्मली जब हम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ जीरो इंटरपोलेशन की बात की जाती है मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो हम यहां जो बात कर सकते हैं बहुत तरीके से आप इंटरपोलेट कर सकते हैं सिग्नल को तो फर्स्ट है हमारा जीरो इंटरपोलेशन नेक्स्ट हो सकता है हमारा यूनिटी इंटरपोलेशन नेक्स्ट हो सकता है हमारा एवरेज इंटरपोलेशन तो इस टाइप से आप वैल्यूज अपेंड कर सकते हैं आप क्या वैल्यूज अपेंड करेंगे अगर जहां जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं था अगर उन सभी जगहों पर आप देखिए यहां से अगर आप फंक्शन लिखते तो फाइनली आप यहां से ऐसा देख सकते थे कि ये जो फंक्शन आपका आ रहा है एक बार इधर देख लीजिए अगर आप एक्स ऑफ एन बाई थ्री सिग्नल देख रहे हैं तो एक्स ऑफ एन बाई थ्री सिग्नल के लिए आप ये देख रहे हैं कि आपके पास इस टाइप की वैल्यूज आ रही हैं तो ये इस टाइप से आपके पास ये सिग्नल आपको मिला है देखिए यहां पर ये ओरिजिन आपका

उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं इंटरपोलेशन तो इंटरपोलेशन मतलब दो सैंपल्स के बीच में वैल्यूज को अपेंड करना <coughs> जैसे अभी हमने डेसिमेशन में देखा था कि दो samples, दो सैंपल्स सैंपल्स वैल्यूज वैल्यूज हम के बीच की को स्किप करते करते हैं करते हैं इंटरलीव उनको हटा देते हैं लेकिन इंटरपोलेशन के केस में आपको क्या करना है वैल्यूज को अपेंड करना है वहां पर वैल्यूज को एंटर करना है तो हम क्या वैल्यूज एंटर करेंगे तो अगर हमने जीरो वैल्यूज एंटर कर दिया जहां पर भी हमारे जो स्टार मार्क्स दिख रहे हैं आपको उसमें जहां भी वैल्यू अनडिफाइंड थी अगर हम वहां पर क्या अपेंड करें

अगर ये चीज को आप रिप्लेस कर रहे हैं किससे यूनिटी से इस केस में आपने इस स्टार मार्क को रिप्लेस किया किससे जीरो से तो जीरो सैंपल्स ले ले, का, मतलब का अगर आप सम कर लें तो आपको क्या मिलेगा एरिया ऑफ एक्स ऑफ एन और इसको अगर टोटल नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर लें नंबर ऑफ सैंपल्स इन एक्स ऑफ एन तो आपको क्या मिल जाएगा टोटल जो भी सारे सैंपल्स का सम है अगर आप उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा उस सिग्नल एक्स ऑफ एन का सपोज इस एवरेज वैल्यू को अगर हम क्या नाम दे देते हैं सपोज इट इज एवी एवी रिप्रेजेंट्स एवरेज तो जितने भी स्टार मार्क्स हैं अगर इन सारे स्टार मार्क्स को हम एवरेज से रिप्रेजेंट कर दें एवरेज से रिप्लेस कर दें तो उसको हम नाम देंगे एवरेज इंटरपोलेशन अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि जरूरी नहीं है कि आपको पूरे सिग्नल के एवरेज सेट करना है ऐसा भी हो सकता है तो अगर हम इसको टोटल सिग्नल के एवरेज से रिप्रेजेंट करते तो पहले जो हमारा सिग्नल लिया था हमने इस सिग्नल का एवरेज कितना है एरिया कितना है इसका वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस फोर दैट इज टेन और टेन बाई नंबर ऑफ सैंपल्स दैट इज वॉट

इन दोनों का एवरेज क्या होता है टू प्लस थ्री फाइव फाइव डिवाइडेड बाई टू इज व्हाट टू पॉइंट फाइव तो यहां इन दोनों की जगह पर क्या लिखते हैं आप टू पॉइंट फाइव लिखते थ्री प्लस फोर इज व्हाट सेवन सेवन डिवाइडेड बाई टू इज व्हाट थ्री पॉइंट फाइव तो इन दोनों की जगह आप क्या लिखते 3.5 थ्री पॉइंट फाइव लिखते तो ये हमने बेसिक प्रोसीजर जो अभी समझा है आपको इसमें अभी सिर्फ क्या देखना है कि अगर आपके पास एक्स ऑफ एन है और इससे अगर आपको एक्स ऑफ एन अपॉन अल्फा चाहिए तो ये सारे सैंपल्स रहेंगे इसमें हमें कुछ वैल्यूज को और एडअप करना पड़ेगा जिसके लिए हमने तीन केसेस देखे हैं तो आप इसको नोट डाउन कीजिए तब तक मैं स्पेस बनाता हूं बोर्ड पर और फिर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे जीरो नहीं होगा नहीं वही हमने बात की जरूरी नहीं है कि हमेशा जीरो होगा वो चीज अनडिफाइंड है मतलब आप ऐसा क्यों बोलते हैं आप ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे आपने देखा ये जो वैल्यूज हैं अगर हमने एनिक्वल्स टू वन पर कोई जैसे सैम्पलिंग का हमने जो प्रोसीजर देखा था तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की आप कुछ इंस्टेंट पर सैंपल्स लेकर के उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उस बीच में कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जीरो था उस बीच में सिग्नल जीरो नहीं था हमने उसको अनडिफाइंड रखा हमें उस बीच के रेंज की वैल्यूज से मतलब नहीं था इसलिए आपने उसको स्किप कर दिया ठीक है ओके okay, नोटेड अभी सिग्नल लॉस पे हम आ रहे हैं अविनाश बस हमारा नेक्स्ट डिस्कशन उसी से रिलेटेड है तो ठीक है यहां तक आपने नोट no डाउन कर लिया है तो आगे हम देखते हैं कि कैसे हम इंटरपोलेशन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास फिर से जैसे हमने डेसीमेशन केस में दो लाइन्स लिखी थी वैसे ही आप दो लाइन्स नोट कर लीजिए कि अगर आपको फाइंड करना है टू फाइंड एक्स ऑफ इसको हम अल्फा अल्फाइन की जगह एन अपॉन के लिख देते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये इंटरपोलेशन का केस है जहां पर अल्फा की वैल्यू वन बाई के है विच इज लेस देन वन इट मीन अल्फा लेस देन वन बट के इज ग्रेटर देन एंड बोथ अल्फा एंड के आर इंटीजर वैल्यूज ठीक है तो टू फाइंड एक्स ऑफ अल्फा एंड आप फिर से क्या करेंगे कॉपी वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एंड एट ओरिजिन जैसा आपने प्रीवियस केस में किया था स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ओरिजिन की वैल्यू को कॉपी कर लीजिए जो एक्स ऑफ एंड सिग्नल का ओरिजिन होगा वही सैंपल हमारा ओरिजिन पर मिलेगा किस में एक्स ऑफ एंड अपॉन के में भी ठीक है ये उसके बाद फिर क्या करना है हमें मूव ऑन आइदर साइड आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जीरो के दोनों तरफ मूव करना ओरिजिन के मूव ऑन आइदर साइड एंड अपेंड अल्फा माइनस वन सॉरी विल बी माइनस वन अगर आपने के एन अपॉन के टर्म्स में लिख लिया है तो अपेंड के माइनस वन वैल्यूज इन बिटवीन इन बिटवीन ईच टू सैंपल्स ऑफ एक्स ऑफ एन जैसे हम जो यहां पर बात कर रहे हैं हमने क्या लिखा एक्स ऑफ एन के ओरिजिन के सैंपल को कॉपी कर लीजिए फिर दोनों तरफ चलना शुरू कीजिए और हर दो सैंपल्स के बीच में आपको कुछ वैल्यूज अपेंड करनी है कितनी वैल्यूज अपेंड करनी है माइनस वन वैल्यूज अपेंड करनी है k कैसे डिसाइड होगा इससे कंपेयर करके n k से कंपेयर करके तो जैसे मान लीजिए अभी हमने जो सिग्नल लिया था x ऑफ n उसमें वैल्यूज थी हमारे पास वन टू थ्री एंड फोर जहां पर हमने कहा ओरिजिन हमारा टू पर है तो अगर इस सिग्नल के लिए आपको एक्स ऑफ एन अपॉन थ्री ड्रॉ करना था मतलब यहां पर जो के की वैल्यू है इस केस में हम के की वैल्यू कितनी लेकर चल रहे हैं इक्वल्स टू थ्री तो कैसे मिलेगी हमें ये वैल्यू आपने ओरिजिन की वैल्यू को कॉपी कर लिया मतलब आपने कहा ओरिजिन पर इस सिग्नल की वैल्यू भी यही होगी जो x ऑफ n में थी तो टू लिख दिया हमने अब इसके बाद आपको दोनों साइड मूव करने से पहले इस सैंपल से पहले आपको दो स्टार मार्क्स यूज करने इन स्टार मार्क्स को आप किससे फिल करेंगे जीरो से फिल कर सकते हैं वन से फिल कर सकते हैं एवरेज से फिल कर सकते हैं वो डिपेंड करता है क्या मेंशन किया गया आपके क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपको जीरो करना है ठीक है ये इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट लिख दिया थ्री फिर इस थ्री और फोर के बीच में हमने दो स्टार मार्क्स लिए देन हमने वैल्यू लिखी नेक्स्ट वैल्यू फोर ऐसे ही इस ओरिजिन से हमने लेफ्ट हैंड साइड चले शुरू किया और इस वन से पहले फिर से हमने क्या मार्क किया दो स्टार मार्क्स यहाँ पर अपेंड किए फिर उसके बाद हमारी ये वैल्यू है वन तो ये आपका सिग्नल है एक्स ऑफ एन अपॉन थ्री अगर हम इसी में जीरो इंटरपोलेशन करेंगे अगर इसी में हम जीरो इंटरपोलेशन करेंगे तो यही हमारा सिग्नल एक्स ऑफ एन बाई थ्री हमें क्या देगा वन देन जीरो जीरो देन टू ओरिजिन देन जीरो जीरो थ्री जीरो जीरो एंड फोर तो ये आपका इतना सिंपल है कि इसको आप एक सेकंड में देखते ही आपको डेसिमेट करना हो या इंटरपोलेट करना हो आप डेफिनेटली दोनों चीजें कर सकते हैं ठीक है डेसिमेशन के लिए अल्फा माइनस वन वैल्यूज स्किप करते जाइए दो सैंपल्स के बीच में ओरिजिन को कॉपी करने के बाद इंटरपोलेशन के लिए अल्फा माइनस वन दैट इज के माइनस वन वैल्यूज अपेंड करते जाइए ठीक है तो अब यहां पर इतना करने के बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि सपोज ये हमारे पास सिग्नल था लेट्स से इट इज योर सिग्नल एक्स ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम की पहले हम बात कर रहे हैं ये अगर हमारा सिग्नल है एक्स ऑफ टी जो से माइनस फोर से लेकर सिक्स तक विद रिस्पेक्ट टू टू टी एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यू अगर इसकी है फाइव ठीक है ये अगर हमने इसको पहले इंटरपोलेट कर जैसे हम स्केलिंग कर दी हमने इसकी सपोज हम यहाँ से क्या फाइंड कर रहे हैं एक्स ऑफ टू टी फाइन कर रहे हैं

अब ये जो सिग्नल आपको मिला एक्स ऑफ टू टी अगर इस सिग्नल में फिर से आप आप इसको ऐसे लिख लें कि अगर हम टी को रिप्लेस कर रहे हैं टू टी से अगर हमने टी को रिप्लेस किया टू टी से, मतलब आपने टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये आपको ऑफ मिल गया अब इस सिग्नल में इस सिग्नल में अगर आप फिर से रिप्लेस कर दें टी को टी बाई टू से अगर आप यहां पर टी को टी बाई टू से रिप्लेस करना चाहते हैं मतलब फिर से आप टाइम स्केलिंग करना चाहते हैं टी को अल्फा टी से रिप्लेस कर रहे हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है वन बाई टू है

अगर हमने डेसीमेट कर लिया पहले जिसको आप डिस्क्रीट के परफॉर्म तो कर लिया one, और फिर उसी से हमने अगर उसको इंटरपोलेट कर, कर लिया तो ये वापस हमें वही सिग्नल मिल जाएगा मतलब एक बार अगर हम अल्फा ग्रेटर स्केलिंग करें फिर हम अल्फा लेस देन वन से स्केलिंग करें तो हम वापस उसी सिग्नल को फिर से फाइंड कर सकते हैं कंटिन्यूस केस में लेकिन अगर आप डिस्क्रीट के केस में देखें सपोज हमारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ एन डेट इज वॉट एक्स ऑफ एन इज लेट से वन टू थ्री फोर फाइव विथ ओरिजिन एट टू अगर आप यहां पर फाइंड करेंगे पहले एक्स ऑफ टू एन अगर आपने एक्स ऑफ टू एन फाइंड किया कैसे फाइंड करेंगे टू एन अब हम बिल्कुल फास्ट वे में अगर कैलकुलेट करें टू को हमने कॉपी कर दिया स्केलिंग फैक्टर वन से बड़ा दिख रहा है और स्केलिंग फैक्टर अल्फा की वैल्यू है टू तो अल्फा माइनस वन कितना है वन इसका मतलब ओरिजिन को कॉपी करने के बाद हम दोनों तरफ मूव करेंगे और एक एक सैंपल को स्किप करेंगे मतलब ये सैंपल नहीं आएगा ये आएगा ये सैंपल नहीं आएगा इसके बाद कुछ है नहीं तो लेना नहीं है ये सैंपल आएगा इसके बाद ये सैंपल नहीं आएगा इसके पहले अगर कोई वैल्यू होती तो वो सैंपल आता तो आपको क्या दिख रही है वैल्यू ये टू होगा फिर ये हमारे पास वैल्यू फोर होगी तो ये क्या सिग्नल मिला आपको एक्स ऑफ टू एन मिला अब अगर इस सिग्नल में सपोज हम कहें कि ये हमारा सिग्नल है एक्स वन ऑफ एन अब अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं या फाइंड करना चाहते हैं ऑफ मतलब इस सिग्नल पर अगर आप इंटरपोलेशन अप्लाई करना चाहते हैं अगर आप देखें तो एन अपॉन के मतलब के की वैल्यू कितनी है टू तो आपको कितनी वैल्यूज अपेंड करनी है एक वैल्यू अपेंड करनी है टू माइनस वन दैट इज वन तो आपने इसके लिए अगर फाइंड करना शुरू किया तो आपने ये ओरिजिन की वैल्यू कॉपी की इसके बाद नेक्स्ट सैंपल से पहले आपने

उनको आप वापस रिकवर नहीं कर सकते ड्यूरिंग इंटरपोलेशन तो यहां पर आपका जो पॉइंट है दैट इज सैंपल्स लॉस्ट ड्यूरिंग डेसीमेशन कैन नॉट बी रिकवर्ड यूजिंग इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन के थ्रू आप सिर्फ क्या कर सकते हैं कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही एंटर कर सकते हैं मतलब जीरो एंटर कर सकते हैं वन एंटर कर सकते हैं एवरेज एंटर कर सकते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आपने क्या सैंपल्स छोड़ दिए थे हो सकता है यहाँ वन की जगह सेवेंटी हो तो कभी भी जीरो वन या एवरेज सेवेंटी नहीं आएगा आपको सेवेंटी वैल्यू को आप रिकवर नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हमने बात की कि अगर हम डेसीमेशन में कुछ सैंपल्स हमारे लॉस्ट हो गए तो उस लॉस्ट सैंपल को हम इंटरपोलेशन के थ्रू वापस रिकवर नहीं कर सकते जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कंटिन्यूस टाइम के केस में अगर हमने पहले कुछ इसमें अगर हमने कंप्रेशन कर लिया उसको वापस एक्सपैंड कर दिया तो हमें वापस वही सिग्नल मिल रहा है जो ये एक्स ऑफ टी था लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स तो ये हमने इंटरपोलेशन और अपने डेसीमेशन की बात कर ली तो ऑपरेशंस यहां पर हमारे कंप्लीट हो गए ये जो बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स होते हैं ये यहां पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन सपोज हमें फाइंड करना है टू फाइंड ये हमारे पास कोई एक्स ऑफ एन सिग्नल हम ले लेते हैं एक सिग्नल लेट से एक्स ऑफ एन इज थ्री फोर फाइव टू फाइव या फोर सिक्स ठीक है ये यहां पर अगर हमने ओरिजिन कंसीडर कर लिया टू पर ठीक है अब अगर इस सिग्नल के लिए हमें फाइंड करना है टू फाइंड एक्स ऑफ थ्री बाई टू एन ठीक है ये एक्स ऑफ थ्री बाई टू एन हमें फाइंड करना है इसी चीज को अगर हम एक्स ऑफ एन को लें अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास दो प्रोसीजर्स हैं अगर हम इस चीज को पहले क्या करें फर्स्ट आपको दिख रहा है थ्री एन और एन बाई टू आप इसको दो चीजें समझ सकते हैं तो अगर हम इसको पहले फर्स्ट अगर हम क्या करें डेसीमेट बाई थ्री जैसे आप एक्स ऑफ अल्फा एन लेते हैं अल्फा की वैल्यू वन से बड़ी होती है तो उसको आप डेसीमेशन का केस कहते हैं तो अगर आप एक्स ऑफ एन को लें और पहले थ्री से डेसीमेट कर लें फिर जो रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को अगर आप इंटरपोलेट कर लें इंटरपोलेट बाई ये अगर आपने इंटरपोलेट कर लिया बाई टू तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा ये रिजल्ट क्या होगा एक्स ऑफ थ्री बाई टू एन होगा आप कर सकते हैं अगर आपने डेसीमेशन की जगह इंटरपोलेशन पहले कर लिया अगर आप क्या करें इंटरपोलेट बाई टू अगर आप पहले कर लें इंटरपोलेट और उसके बाद फिर क्या करें आप उसके बाद अगर आप डेसीमेट कर रहे हैं सिग्नल को डेसीमेट बाई तो भी जो रिजल्ट मिलेगा आप देखेंगे ये दोनों वैल्यू सेम होंगी एक्स ऑफ थ्री बाई टू एन अब ये हम सेटिस्फाई भी कर लेते हैं ये एक्स ऑफ एन गिवन था मेथड वन इसको अगर हम मेथड वन नाम दे देते हैं सपोज ये हमारा फर्स्ट मेथड देख रहे हैं हम और इसको हम अगर नाम देते हैं मेथड टू तो मेथड वन में ये एक्स ऑफ एन था हम मेथड वन डिस्कस कर रहे हैं पहले तो एक्स ऑफ एन के लिए हमें पहले क्या करना है फाइंड डेसीमेट बाई थ्री तो हमने एक्स ऑफ थ्री एन फाइंड किया पहले हमने डेसीमेट कर लिया एक्स ऑफ एन को थ्री से तो जब आप डेसीमेट करते हैं तो क्या देखा हमने हम ये टू लेंगे ओरिजिन की वैल्यू को हम कॉपी करेंगे इसके बाद अगर हम थ्री से डेसीमेट करने वाले हैं तो थ्री माइनस वन दैट इज टू सैंपल्स को हम स्किप करेंगे मतलब ये सैंपल हमें नहीं लेना ये सैंपल भी हमें नहीं लेना इसके बाद अगर कोई सैंपल होता तो वो वहां आता लेकिन और कोई सैंपल है नहीं तो आपको ओरिजिन के बाद कोई सैंपल नहीं मिलेगा नेक्स्ट अगर आप ओरिजिन के पहले देखें तो भी आप इन दो सैंपल्स को स्किप करेंगे लेकिन आप इस सैंपल को लेंगे अगर आपने दो सैंपल्स स्किप किया तो उसके पहले का जो सैंपल है यह सैंपल आएगा तो मतलब ओरिजिन के पहले इसमें एक ही वैल्यू होगी थ्री तो ये आपने सिग्नल ड्रॉ कर लिया सिग्नल आपने फाइंड कर लिया एक्सो ऑफ थ्री एन अब आप अगर किसमें यह आपने डेसीमेशन कर लिया अब आप इस सिग्नल को जो भी आपको मिला है रिजल्टेंट इस सिग्नल में अगर आपको टू से इंटरपोलेशन करना है मतलब अब अगर आप यहां पर ड्रॉ करना चाहते हैं थ्री बाई टू एन तो इंटरपोलेट कैसे करते हैं आप ओरिजिन से चलना शुरू कीजिए ओरिजिन की वैल्यू को आपने कॉपी किया उसके पहले अगर आप यहां पर टू से इंटरपोलेट करने वाले हैं मतलब मतलब की वैल्यू पर आपकी है तो k -1, मतलब -1, एक एक सैंपल आपको हर दो सैंपल्स के बीच में अपेंड करना है तो अगर आप यहां देखें इस टू के पहले हमने एक सैंपल अपेंड किया दैट इज जो भी सैंपल है हो सकता है हम जीरो करेंगे हो सकता है हम वन करेंगे इसके पहले ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास आ गई तो हमने देखा कि जो एक्स ऑफ थ्री बाई टू एन था वो हमें इस टाइप का सिग्नल मिल रहा है दैट इज थ्री स्टार मार्क एन टू ठीक है ये अब अगर आप यहीं पर मेथड टू फॉलो करते अगर आपने मेथड टू फॉलो किया पहले आपने इंटरपोलेट कर लिया टू से यह आपका एक्स ऑफ एन है इसमें अगर आपने पहले x ऑफ n बाई टू फाइन किया तो x ऑफ n बाई टू के लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं सभी सैंपल्स के बीच में आपको क्या करना है टू माइनस वन मतलब एक एक जीरो आपको अपेंड करना है तो ये आपने सभी सैंपल्स के बीच में एक एक जीरो अपेंड करके लिख लिया थ्री मार्क टू देन स्टार मार्क फोर स्टार मार्क एंड सिक्स ओरिजिन आपको पता है कॉपी होगी मतलब ओरिजिन पर वैल्यू इसमें टू थी तो यहां पर भी हमारा ओरिजिन कहां पर है टू पर है तो पहले हमने इंटरपोलेट कर लिया अब हम डेसीमेशन अप्लाई करेंगे मतलब अब हम फाइनली फाइंड करने वाले हैं एक्स ऑफ थ्री बाई टू है तो इसमें आप अगर थ्री से डेसीमेट करने वाले हैं मतलब इस ओरिजिन के सैंपल को ले लीजिए इस ओरिजिन के सैंपल को हमने ले लिया और हम थ्री से डेसीमेट करने वाले हैं मतलब दो दो सैंपल्स आपको छोड़ना है ठीक है तो दो सैंपल्स अगर आपने स्किप कर दिए इस टू के बाद ये सैंपल आपने स्किप कर दिया ये सैंपल स्किप कर दिया Normally, हम जीरो इंटरपोलेशन का केस अगर देखते हैं तो उस केस में ये वैल्यूज हम बात कर रहे हैं कि ये जो वैल्यूज होंगी ये दोनों चीजें सेम होंगी वो किसके केस में जीरो इंटरपोलेशन केस में क्योंकि नॉर्मली आपसे जीरो इंटरपोलेशन का ही केस आपको दिया जाता है तो इन सभी स्टार मार्क्स को आप कंसिडर कर सकते हैं कि जहां भी हमने स्टार मार्क ले रखा वो सभी क्या है जीरोज हैं तो आपको ये दोनों वैल्यूज नहीं लेनी थी फिर ये स्टार मार्क लेना था फिर इसके बाद की दो वैल्यूज़ नहीं लेनी थी लेकिन अगर हम कहें कि स्टार मार्क हमारा जीरो है तो जीरो को लेने का कोई मतलब नहीं अगर हम यहाँ जीरो लिखें या नहीं लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता तो इसलिए आपका सिग्नल में ओरिजिन तक ही वैल्यू होगी ओरिजिन के बाद की वैल्यूज़ क्या हमारी जीरो है इसके बीच अगर फिर से आप देख लें क्योंकि बाद में जीरो है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर बीच में जीरो आ रहा है दो नॉन जीरो सैंपल्स के बीच में ज़ीरो आ रहा है तो उसको लिखना इंपॉर्टेंट है फिर आपने देखा इसके पहले के दो सैंपल्स हमें नहीं लेने ये नहीं लिया हमने ये नहीं लिया लेकिन ये सैंपल हमें लेना है

चलिए आप लोग रेडी हो जाइए मुझे आंसर चाहिए आपसे इजी बिल्कुल क्वेश्चंस हैं आप इसको बस सॉल्व करके बताइए क्या वैल्यूज होने वाली हैं ओके ओके थैंक यू तो जैसे मान लीजिए हमने डिफाइन कर दिया एक सिग्नल एक्स ऑफ एन लेट इट इज ये हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में दे देते हैं. हमारे पास से ये वैल्यूज़ हैं वन टू वन थ्री ये हमारा सिग्नल है एक्स ऑफ एन वैल्यूज वन टू वन ये वैल्यू थ्री देन अगर हम ये वैल्यूज ले लें माइनस वन एंड फोर ठीक है ये हमारा ओरिजिन है इक्वल्स टू जीरो ये माइनस वन ये माइनस टू ये माइनस थ्री ये एन इक्वल्स टू वन ये टू विथ रिस्पेक्ट टू एन इस गिवन सिग्नल के लिए बस आप इतना सा पहले फाइंड कर लीजिए कि इस सिग्नल की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग फाइंड फर्स्ट एक्स वन ऑफ एन दू फोर एक्स ऑफ फोर माइनस टू एन ये सिग्नल फाइंड करके दिखाइए एक्स वन ऑफ एन अगर हमारा है फोर इंटू एक्स ऑफ फोर माइनस टू एन तो आपको बताना है कि ये प्लॉट तो पूरा आप कर लेंगे पहले आप प्लॉट कर लीजिए फिर मैं आपसे पूछता हूं आप सब लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ आपके पास आंसर्स आ गए हैं तो फिर मैं पूछूंगा पर्टिकुलर एन की किसी वैल्यू के लिए कि सिग्नल की वैल्यू क्या होनी चाहिए ठीक है आप समझ सकते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं By, अभी जो हम मेथड यूज कर रहे हैं सबसे पहले वो सबसे पहले हम मेथड यूज करेंगे रिप्लेसमेंट का मेथड फिर हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें इजीली दूसरे मेथड्स को यूज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर आप इस एक्स ऑफ एन सिग्नल को देखें तो एक्स ऑफ एन सिग्नल में अगर आप इसको सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन में लिखते तो एक्स ऑफ एन को कैसे लिखते बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इन चीजों को समझना है कि कभी आप दूसरा मेथड करने जाएंगे अलग से फॉलो उसमें अननेसेसरी मिस्टेक के चांसेस बढ़ेंगे तो लेफ्ट से शुरू कीजिए जितनी भी वैल्यूज हैं सबको लिखते जाइए मतलब क्या वैल्यूज हैं वन टू वन थ्री देन माइनस वन एंड देन फोर और ओरिजिन कहां पर है हमारा थ्री पर मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये एन पर है ये one, N equals to two पर है ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री पर ये एक्स ऑफ एन की वैल्यूज हैं आपके पास तो अगर आपने यहाँ पर एन के रिस्पेक्ट में बस एक बार मैं बेसिक्स बताना चाहता हूं जरूरी नहीं है कि रिप्लेसमेंट आप हर जगह यूज करेंगे हम बस बेसिक क्लियर करना चाहते हैं इसलिए हम इसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एन के रिस्पेक्ट में एक्स ऑफ एन की वैल्यूज एन की वैल्यू हमारी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री से शुरू हो रही है माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो टू और ये वैल्यूज कितनी है हमारे पास वन टू वन थ्री वन टू वन थ्री माइनस वन एंड फोर ओके ये हमारा सिग्नल है एक्स ऑफ एन अब हमें इससे क्या सिग्नल फाइंड करना है हम पहले इतने पार्ट को देखते हैं उसका हम बाद में एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर देंगे उसमें ठीक है तो एक्स ऑफ फोर माइनस टू एन तो अब हमने ये एक्स ऑफ माइनस टू एन लिया और इसको भी हम एन के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो चाहे हम टाइम स्केलिंग करें या हम टाइम शिफ्टिंग करें हम जानते हैं एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब जो भी एम्पलीट्यूड इस सिग्नल की है यही चीज हमने कॉपी कर दी वन टू वन थ्री माइनस वन एंड फोर और अब लेकिन ये वैल्यू पहले एन की वैल्यू माइनस थ्री थी अब आपने एन को रिप्लेस कर दिया फोर माइनस टू एन से तो फोर माइनस टू एन इक्वल्स टू माइनस थ्री फोर माइनस टू एन इक्वल्स टू माइनस टू फोर माइनस टू एन इक्वल्स टू माइनस वन फोर माइनस टू एन इक्वल्स टू जीरो फोर माइनस टू एन इक्वल्स टू वन एंड फोर माइनस टू एन इक्वल्स टू टू ये हमारे पास फोर माइनस टू एन की वैल्यूज हैं तो अगर आप यहां से एन की वैल्यूज डिसाइड करते तो एन की वैल्यू क्या मिलती है हमें टू एन इक्वल्स टू वॉट सेवन देर फोर एन इक्वल्स टू वॉट सेवन बाई टू विच इज नॉट एन इंटीजर तो हमने क्या देखा अगर ये इंटीजर नहीं आएगा अगर यहाँ से हमने फोर माइनस टू एन लिया है तो यहां पर टू एन इक्वल्स टू सेवन सो एन इंटीजर टू है, मतलब ये जो वन वैल्यू थी ये नहीं आएगी ये सिग्नल में नहीं आएगी अगर यहाँ से आप देखते तो यहां से आप कह सकते थे कि टू एन इक्वल्स टू सिक्स सो एन इक्वल्स टू वॉट थ्री एन इक्वल टू थ्री इंटीजर है ये सैंपल आएगा यहां आपने देखा कि टू एन इक्वल्स टू फाइव फॉर एन इक्वल टू वॉट अगेन टू पॉइंट फाइव Not It is not an नहीं आएगी और यहां से आपने अगर देखा तो एन इक्वल्स टू आपको क्या वैल्यू मिली टू एन इक्वल टू टू और एन इक्वल्स टू वॉट वन तो आपको यह दिख रहा है कि ये सैंपल जिसमें हमने टिक मार्क किया है एरो ये हमारा यह ये सैंपल्स हमारे आएंगे तो यहां से आप अगर देखें तो x1 वन ऑफ अगर हम सिर्फ इतना देख रहे हैं x ऑफ फोर माइनस टू एन तो x ऑफ फोर माइनस टू एन सिग्नल में अगर हम वैल्यूज देखें तो क्या वैल्यूज है हमारी n इक्वल थ्री पर वैल्यू है टू पर वैल्यू है और वन पर वैल्यूज है बाकी वैल्यूज हमारे पास नहीं है यहां पर अगर आप देखें एन इक्वल टू जीरो पर एन एकवल टू जीरो पर भी वैल्यू है तो मतलब आपको जो वैल्यूज मिल रही है वो थ्री टू और वन पर ये वैल्यूज आपको मिल रही है तो हमारे पास वैल्यूज हैं एन इक्वल्स टू जीरो पर ओरिजिन पर वैल्यू जीरो हमने देखा तो एन इक्वल्स टू वन पर हमारी वैल्यू है टू नेक्स्ट इक्वल्स टू टू पर हमारी वैल्यू है थ्री सॉरी इट इज एन इक्वल्स टू जीरो पर जीरोक्स टू वन पर हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है फोर है ठीक है तो ये हमारी वैल्यू एनिकवल टू वन पर ये वैल्यू है फोर एन इक्वल टू टू पर क्या वैल्यू है एन पर वैल्यू है हमारी थ्री तो ये हमने हमने पर पर ये value हमने शो कर दी 3. N equals to 3 पर क्या सिग्नल है एक्स ऑफ फोर माइनस टू एन अब अगर हमें इस सिग्नल में एम्पलीट्यूड स्केलिंग करनी है, हमें क्या ड्रॉ करना है अगर हमें प्लॉट करना है अगर फोर एक्स ऑफ फोर माइनस टू एन तो इसके लिए अगर आपने इस सिग्नल में एम्पलीट्यूड स्केलिंग किया तो आप जानते हैं इस सिग्नल की सारी वैल्यूज को आपको क्या करना है इस फोर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या वैल्यूज हो जाएंगी जीरो सिक्सटीन ट्वेल्व एंड एट तो जीरो सिक्सटीन ट्वेल्व एंड एट जितने लोगों का भी ये आंसर है आ, एंड एंड डेफिनेटली गौरव आपका आंसर मैं देख रहा हूँ इसके पहले भी जो श्रेया शायद आपने आंसर दिया था आपका भी यही आंसर था तो कितने लोगों का आंसर ये फोर एक्स ऑफ फोर माइनस टू एन के लिए ये चीज आ चुकी है आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए फिर हम देखते हैं कि ऐसे केसेस में हम और कैसे प्रोसीड कर सकते हैं ये तो हमने एक कॉमन टूल देख लिया जिसमें आपको ये नहीं देखना कि क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं। आपको बस रिप्लेसमेंट करना है और उस रिप्लेसमेंट से डायरेक्ट आपका आंसर आएगा चाहे आप कोई से भी कितने सारे भी ऑपरेशन उसमें परफॉर्मड हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो आ, सेम आंसर सुरभि ऋषभ सानिध्य गौरव अजयराज एम डी काशिव गुड देवेंद्र नाइट कुमार सॉरी ah, निहित कुमार बिल्कुल तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो इनको हम अलग अलग मेथड से देखेंगे अभी तो हमने बस शुरू किया है तो रिप्लेसमेंट्स पर मैं बार बार इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब हम आगे ट्रांसफॉर्म्स पढ़ेंगे तो ये ऑपरेशंस कभी भी देखिए ऑपरेशंस आपके गेट में नहीं आएंगे कि ऑपरेशन परफॉर्म कर लो ऐसा बहुत रेयर है एक आध बार हुआ भी ऐसा लेकिन आपको ये चीज़ें ये जितने भी ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं ये हमारा बेस इसलिए है क्योंकि जब भी हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो हम कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म्स डिफाइन कर देंगे कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स के अब उन सिग्नल्स पर जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तो उनका ट्रांसफॉर्म पर क्या इफेक्ट होगा वो देखने के लिए आपको इन ऑपरेशन के बारे में अच्छा नॉलेज होना जरूरी है तो वहां पर हम रिप्लेसमेंट्स को यूज करेंगे इसलिए मैं इतनी डिटेल में आपको रिप्लेसमेंट्स के थ्रू दिखा रहा हूँ अदरवाइज आपने अगर देखा होगा तो बहुत ईजी मेथड्स हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं तो ये सिग्नल आपने फाइंड कर लिया इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं और अलग इसके मेथड्स भी हम देखेंगे मैंने ग्राफिकली किया तो रिवर्स में आया सर यही डेफिनेटली जो मीरा आप बात कर रही हो इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि जब भी आपके पास सिग्नल होगा तो नॉर्मली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही देंगे आपको इसलिए कि आप उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कॉपी करने में ही गलती कर दो आप अगर देखें तो कई बार स्क्रीन टू पेपर कोऑर्डिनेशन जो आप कहते हैं वो कई बार ऐसी चीजें गलती हो जाती है बस देखने में ठीक है कि आपने वहां जो बना था ग्राफ और आपने अपने सिग्नल में जो ग्राफ बनाया उसमें गलतियां हो गई है जो भी है तो आपको सबसे पहला स्टेप यही लेना है यहां पर हम अभी ये बात करने ही वाले थे कि जब भी आपको कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अगर गिवन है ग्राफिकल मेथड के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में उसको पहले चीज आप उसको कन्वर्ट कीजिए किस फॉर्म में सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन क्योंकि आपने देखा है कि ऑपरेशन परफॉर्म करना सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन में बहुत ईजी है अगर यहीं पर हमें शिफ्टिंग करना होता हम इसको थ्री टाइम शिफ्ट कर देते या ओरिजिन को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हो ही टाइम्स स्केलिंग करना होता या हमें इस पर जो भी टाइम रिवर्सल करना होता सभी इस केस में बहुत इजी आप परफॉर्म कर सकते हैं इजीली तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई होगी आपसे इसलिए डेफिनेटली आपका नहीं आया अदरवाइज दोनों सेम आएगा सूरज कुमार सेवन बाई टू कैसे एक बार हम बात कर लेते हैं ये एक्स ऑफ एन की वैल्यूज थी सूरज और ये एन की वैल्यूज है ठीक है अब हमने कहा कि जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं सिग्नल में अगर आप देखें एक्स ऑफ फोर माइनस टू एन जो भी एन में कुछ मल्टीप्लाइड है मतलब एक्स ऑफ अल्फा एन मतलब ये टाइम स्केलिंग है उसके बाद अगर कुछ प्लस या माइनस में कोई चीज अलग से कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू लिखी है मतलब टाइम शिफ्टिंग का केस है तो इस सिग्नल को फाइंड करने के लिए आपको एक्स ऑफ एन पर दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं एक टाइम स्केलिंग और एक टाइम रिवर्सल तो अगर हम x ऑफ n से ये सिग्नल फाइंड करना चाहते हैं एक्सो फोर माइनस टू एन तो हम जानते हैं टाइम शिफ्टिंग या टाइम रिवर्सल से एम्पलीट्यूड को, को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए जो एम्पलीट्यूड x ऑफ n में थे हमारे पास हमने उसी को कॉपी किया x ऑफ फोर माइनस टू एन में भी फर्क किस पे पड़ेगा हमने एन को रिप्लेस कर दिया फोर माइनस टू एन से तो ये एन भी रिप्लेस हो गया किससे फोर माइनस टू एन से इसलिए हमने फोर माइनस टू एन की वैल्यूज लिखी जो यहां पर लिखी हुई थी तो हमने लिखा थ्री माइनस टू माइनस वन एंड सो ऑन यहां से अगर हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम यहां से लिख सकते थे कि दिस फोर प्लस थ्री इक्वल्स टू टू एन ये माइनस टू एन को आपने दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो टू एन इक्वल टू सेवन देर फॉर वॉट एन इक्वल्स टू सेवन बाई टू विच इज नॉट एन इंटीजियर और अगर एन इंटीजियर नहीं है तो वहां पर आप डिस्क्रिक टाइम सिग्नल आपका डिफाइंड नहीं होगा इसलिए हमने उन वैल्यूज को वहां से हटा दिया है वो वैल्यूज आपके सिग्नल में नहीं आई है ठीक है तो चलिए अब हम जीरो पर ओरिजिन यस ओरिजिन कैसे लिए देखिये ओरिजिन कैसे लिए आपको यहां देखना है ये जो हमें वैल्यूज मिल रही है हमने ये ओरिजिन हमने यहां से लिए है थ्री पर हमारे पास वैल्यू है जो आएगी हमने देख लिया कि ये वैल्यूज नहीं आएंगी ये वैल्यूज तो येड है ये वैल्यूज हमने डिस्कार्ड कर दी अब जो वैल्यूज आएंगी वहां हमने देखा कहां पर आएंगी तो ये कहां पर आ रही है वैल्यू टू एन इक्व टू थ्री पर आ रही है ये जो वैल्यू आ रही है थ्री ये कहां पर आ रही है एन इक्वल टू टू पर आ रही है ये कहां आ रही है वैल्यू फोर ये एनिक्वल टू वन पर आ रही है मतलब एन इक्वल्स टू वन पर वैल्यू है टू पर वैल्यू है और थ्री पर वैल्यू है तीन ही वैल्यूज है सिग्नल में तो अगर एनिक्वल टू वन पर वैल्यू है तो इसलिए हमने ओरिजिन शो करने के लिए ओरिजिन कहां पर शो कर दिया एक सैंपल उसके पहले ले लिया और जीरो हमने ओरिजिन पर शो कर दिया इसके बाद एनिक्वल टू वन एनिक्वल टू टू और एनिक्वल टू थ्री के लिए जो यहां से रिजल्ट मिला है वो हमने यहां पर कॉपी कर दिया ठीक है तो अब इसी सिग्नल के लिए हम उसको रिपीट करेंगे आपका टाइम वेस्ट लेकिन इंपॉर्टेंट फर्स्ट टाइम शिफ्टिंग बस हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं टाइम शिफ्टिंग के लिए हमें फाइंड करना है एक्स ऑफ टी प्लस और माइनस टी नॉट हमें सिग्नल को शिफ्ट करना है मतलब स्लाइड करना है पॉजिटिव के लिए लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव साइड के लिए राइट हैंड साइड फिर हमने देखा टाइम रिवर्सल टाइम रिवर्सल के लिए हमें क्या फाइंड करना है एक्स ऑफ माइनस टी मतलब हमें क्या करना है सिग्नल को फोल्ड कर देना है जो भी वैल्यूज सिग्नल <coughs> में टी की या एन की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रही थी वो सभी शिफ्ट होकर टी की नेगेटिव वैल्यूज के लिए आ जाएंगी ठीक है ये और थर्ड हमने देखा टाइम स्केलिंग टाइम सिग्नल्स स्के बात करते हैं तो टाइम स्केलिंग के लिए आपको फाइंड करना है ऑफ अल्फा जिसके लिए आपने एक कॉमन प्रोसीजर देखा कि सिग्नल जहां से जहां तक एग्जिस्ट कर रहा है आपको उसके हर टाइम इंस्टेंट को डिवाइड करना है इस scaling, <coughs> इस स्केलिंग स्केलिंग फैक्टर अल्फा से तो ये चीजें हमने देख ली हैं अब अगर इन्हीं पर हम कंबाइंड ऑपरेशंस देखें सपोज ये हमारे पास हम एक इजी सिग्नल से स्टार्ट करते हैं फिर हम अपने ऑपरेशन को कंबाइन देखेंगे कुछ और कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को लेकर तो पहले एक बार हम अप्लाई करने के प्रोसीजर्स बस हम देख रहे हैं कितने टाइप से हम कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स को परफॉर्म कर सकते हैं तो ये सपोज हमारा एक्स ऑफ टी फंक्शन है हमने कहा अगर ये माइनस फाइव से लेकर प्लस फिफ्टीन तक अगर हमारा ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है और अगर इस सिग्नल की वैल्यू इस ड्यूरेशन में कितनी है प्लस टेन है तो इस सिग्नल के लिए अगर आपको फाइंड करना है टू फाइंड एक्स ऑफ अगर हम कहें माइनस फाइव टी प्लस फाइव तो देखिए अब यहां पर जो पॉसिबल टाइप्स हैं वो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं सारे टाइप्स आपको पता है फिर भी यहां पर हमारा डिस्कशन इंपॉर्टेंट है तो हम करेंगे फर्स्ट मेथड हम ले रहे हैं दैट इज परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑपरेशंस हम जो परफॉर्म करेंगे वो हम अगर कैसे करने वाले हैं फ्रॉम ये इंपॉर्टेंट है आपका कि ये जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा ले रहे हैं हम अगर राइट टू लेफ्ट ये आपका इजिएस्ट वे है ये आपका इजिएस्ट प्रोसीजर होगा कभी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का कंबाइंड ऑपरेशंस को परफॉर्म करके सिग्नल को प्लॉट करने का तो इस इजीएस्ट वे को ही आप प्रेफर करेंगे मोस्टली जहां जहां पर रिप्लेसमेंट की बात होगी जहां पर हमें रिप्लेसमेंट यूज करना चाहिए वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कहां पर हमें रिप्लेसमेंट यूज करना है तो ऑपरेशन जब आपको परफॉर्म करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जैसे यहां पर अगर आप देखें अगर आपको फाइंड करना था सपोज हमने कहा ये एक्स ऑफ टी है और इस एक्स ऑफ टी सिग्नल से हमें एक्स वन ऑफ टी सिग्नल फाइंड करना है जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है एक्स ऑफ माइनस फाइव टी प्लस फाइव तो जो फर्स्ट ऑपरेशन आपने देखा है अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं कि अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो इसलिए ये मोर कन्वीनियंट हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है जो ऑपरेशन आता जा रहा है उस ऑपरेशन को परफॉर्म कीजिए उसका इफेक्ट सिग्नल पर ड्रॉ कीजिए तो अगर ये एक्स ऑफ टी है और ऑपरेशन का क्या मतलब है अगर आप यहां से देखें तो आपको पहले क्या दिख रहा है प्लस फाइव मतलब आपने टाइम में शिफ्टिंग की है फिर आपको क्या दिखा है टी में एक ओफिशियंट मल्टीप्लीकेशन है मतलब आपने टाइम में स्केलिंग की है यह आपका अल्फा है

T plus 5 के लिए इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा एम्पलीट्यूड भी कितना है इसका टेन है आपने ये पहला ऑपरेशन शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया नेक्स्ट ऑपरेशन क्या दिख रहा आपको? T है आपको टी में स्केलिंग है टी में कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गया मतलब अब आपको स्केलिंग करनी है तो स्केलिंग के लिए आप सिग्नल क्या ड्रॉ करने वाले हैं आप देखिए यहां पर अब आप ये सिग्नल ड्रॉ करेंगे विध रिस्पेक्ट टू टी जैसे टाइम शिफ्टिंग जब हमने किया तो इस टी को हमने रिप्लेस कर दिया टी प्लस फाइव से अब हम टाइम स्केलिंग परफॉर्म करने वाले हैं इस सिग्नल पर जो ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं इस सिग्नल पर हम ऑपरेशन परफॉर्म मतलब करने वाले हैं स्केलिंग मतलब हम टी को रिप्लेस करने वाले हैं किससे फाइव टी से तो अगर आपने इसमें टी को रिप्लेस कर दिया फाइव टी से मतलब आप क्या ड्रॉ करने वाले हैं x ऑफ फाइव टी प्लस फाइव यहाँ जो t प्लस फाइव था इस t को हमने रिप्लेस कर दिया किससे फाइव टी से तो हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम x ऑफ कैसे करते हैं आप टाइम स्केलिंग इस सिग्नल पर आपको फाइव से स्केलिंग करनी है तो इसके जो भी एग्जिस्टिंग लिमिट्स हैं इन एग्जिस्टिंग लिमिट्स को आप स्केलिंग फैक्टर फाइव से डिवाइड कर दीजिए तो अगर आपने फाइव से डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास कैसा सिग्नल मिला जो एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम माइनस टू टू प्लस टू इन दोनों को आपने फाइव से डिवाइड कर दिया आपको वैल्यू मिली फ्रॉम माइनस टू टू प्लस टू ये वैल्यू अभी भी कितनी है टेन अब यहां तक आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया पहले आपने शिफ्टिंग ऑपरेशन कर लिया फिर आपने स्केलिंग ऑपरेशन कर दिया फिर आपको दिख रहा है नेगेटिव साइन मतलब एक और ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है जिसके लिए क्या प्लॉट करना है आपको ये जो सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टी आपको मिल चुका था अभी जो सिग्नल मिल चुका है एक्स ऑफ फाइव टी प्लस फाइव इस पर आपको टाइम रिवर्सल अप्लाई करना है और टाइम करते हैं अगर आप इस सिग्नल पर टाइम रिवर्सल आपको अभी हमने क्या बात की थी टाइम रिवर्सल के लिए हम क्या करते हैं फोल्डिंग ऑपरेशन मतलब इस टी को माइनस टी से रिप्लेस कर देते हैं तो जो भी हमारा ये सिग्नल है ये फोल्ड हो गया अब अगर आप देखें तो ये माइनस टू से प्लस टू तक एग्जिस्ट कर रहा था तो जब हम इसकी फोल्डिंग कर देंगे तो भी ये सिग्नल टू से प्लस टू तक ही एग्जिस्ट करेगा तो आपको फिर से से ये 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 शेप दिखा कि ये जो सिग्नल है हमारा ये -2 से +2 तक ही एग्जिस्ट करेगा और वैल्यू क्या होगी इसकी टेन तो ये आपने फाइनली ये जो सिग्नल आपको फाइंड करना था एक्स ऑफ माइनस फाइव टी प्लस फाइव ये आपने सिग्नल फाइंड कर लिया ये फर्स्ट मेथड हो गया आपका फर्स्ट मेथड में आपको क्या इजी दिख रहा है यहां पर अगर आप राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो भी ऑपरेशन आता जा रहा है उसका इंडिविजुअल इफेक्ट ड्रॉ करते जाइए पहले एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ टी प्लस फाइव बना लिया फिर ये फाइव से स्केलिंग कर दी इस सिग्नल के सभी लिमिट्स को 5 से डिवाइड कर दिया फिर इस सिग्नल पर टाइम रिवर्सल अप्लाई कर दिया मतलब इस पर हमने फोल्डिंग ऑपरेशन ले लिया तो ये फर्स्ट मेथड अब अगर हम देखें सेकेंड मेथड जिसमें हम ऑपरेशन अगर लगाना चाहते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो ये हमारा सेकेंड मेथड होने वाला है ऑपरेशंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और रिप्लेसमेंट तो एक मेथड हमेशा होगा ही ठीक है तो ये बोर्ड अपने लिए स्पेस बना लें फिर हम आगे उनके दोनों और प्रोसीजर्स देखते ठीक है तो यहां से अगर आपने नेक्स्ट लिया मेथड टू दैट इज नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑपरेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पहले हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए थे राइट टू लेफ्ट अब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो अगर हमारे पास ये सिग्नल गिवेन है जो हमें फाइंड करना है एक्स वन ऑफ एन एक्स वन ऑफ टी इट इज एक्स वन ऑफ टी जो हमारा गिवन है एक्स ऑफ माइनस फाइव टी प्लस फाइव तो देखिए क्योंकि हमने देखा कि हम जो भी ऑपरेशन करते हैं उसमें हम टी को रिप्लेस करते हैं तो अगर आप लेफ्ट से ऑपरेशन लगाना शुरू कर रहे हैं तो आपके साथ कंस्ट्रेंट है कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा टेक कोफिशियंट ऑफ टेक कोफिशियंट ऑफ टी कॉमन आउटसाइड ये इसका नेसेसरी स्टेप है अगर आप ये स्टेप स्किप करते हैं तो आपका दोनों केसेज में जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा तो आपको पहले करना पड़ेगा अगर आप लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो टी का जो भी कोफिशियंट है उसको पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा तो यहाँ से अगर आप देखें तो x1 वन ऑफ टी इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे x ऑफ अगर हमने t का कोफिशियंट ये माइनस फाइव कॉमन कर लिया तो हम लिख सकते हैं t एंड माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं हम इसको माइनस फाइव कॉमन कर लिया था तो ये वैल्यू क्या आ गई माइनस वन अब यहाँ से

स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो आप, आप बना क्या रहे हैं t, 5. मतलब इस में जहां भी है, उस टी को अब हम फाइव टी से रिप्लेस करने वाले हैं मतलब हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्स ऑफ ये माइनस टी था अब हम ड्रॉ कर रहे हैं माइनस फाइव टी हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं एक्स ऑफ माइनस फाइव टी तो कैसे ड्रॉ करेंगे इन लिमिट्स को बस हमें फाइव से डिवाइड करना है तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी माइनस थ्री से कहां तक वन तक अभी भी एम्पलीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं एम्पलीट्यूड अभी भी कितना है टेन है अब यहां तक आने के बाद हमने ये नेगेटिव साइन रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया फाइव से मल्टीप्लीकेशन मतलब स्केलिंग परफॉर्म कर लिया अब अगर आप और आप आगे जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है टी को रिप्लेस करना है टी माइनस वन से मतलब आपको क्या करना है टाइम शिफ्टिंग करनी है और अगर नेगेटिव साइन है शिफ्टिंग में मतलब आपको किधर शिफ्ट करना है सिग्नल को राइट हैंड साइड डिले करने के लिए आप किधर करते हैं राइट हैंड साइड तो यहां से जो नेक्स्ट आपको ड्रा करना है वो फाइनली आपको आपका सिग्नल दे देगा विद रिस्पेक्ट टू टी आपको क्या करना है टाइम शिफ्टिंग मतलब इस टी को आप रिप्लेस कर रहे हैं x ऑफ -5 आपने टी को रिप्लेस कर दिया किससे टी 1 से इसलिए आप कह रहे हैं कि आप यहां पर टाइम शिफ्टिंग करेंगे तो अगर आपने ये जो सिग्नल आपको मिला है अगर आप इसको वन से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो आपको कहां से कहां तक मिलेगी चीज आपको ये चीज मिलेगी फ्रॉम माइनस टू टू प्लस टू वैल्यू कितनी है टेन विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये सिग्नल आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स ऑफ माइनस ऑफ फाइव टी माइनस वन जो आपका सिग्नल किस नाम से गिवन था एक्स वन ऑफ टी के नाम से गिवन था तो आप देख सकते हैं दोनों ही मेथड्स में जो रिजल्ट आया आपका वो क्या है सेम है ठीक है अब यहाँ पर एक और मेथड हम देख ही लेते हैं जो अभी हम रिप्लेसमेंट्स की बात कर रहे थे थर्ड ये अगर आपको एक्स ऑफ टी देखें ये ऐसा सिग्नल था एक्स ऑफ टी में जो आपकी वैल्यूज हैं ये ये हमारा with respect to t, with value 10, ये हमारा सिग्नल सिग्नल है एक्स ऑफ टी तो अगर हम इस एक्स ऑफ टी सिग्नल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते तो क्या लिखते हम एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू टेन इन बिटवीन माइनस फाइव एंड 15 जब तक t की वैल्यू -5 और 15 के बीच में है तब तक हम कहेंगे कि हमारे इस सिग्नल की वैल्यू कितनी है 10 है ठीक है ये और हम कह सकते हैं इट इज 0 अदरवाइज अदरवाइज ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर दिस सिग्नल x ऑफ t अब अगर इसी सिग्नल से हमें जो सिग्नल फाइंड करना है वो सिग्नल क्या है x ऑफ हमें फाइंड करना है -5t 5 -5t 5. -5, 5 तो देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ X of t था अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं मतलब हमने t को को कर कर दिया किस से? -5 plus 5 से replace कर दिया, किससे किससे से से तो 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 ये है, तो है, इस इस पर तो कोई effect नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो t है, इस t को भी आप से replace करेंगे -5 t plus 5 से replace करेंगे, और ये जो वैल्यू होनी चाहिए अभी भी ये किसके बीच में होनी चाहिए माइनस फाइव से लेकर फिफ्टीन के बीच में होनी चाहिए तब तक आपको वैल्यू मिलेगी टेन और इसके अलावा कहीं भी आप अगर देखेंगे तो आपको सिग्नल की वैल्यू कितनी मिलेगी जीरो तो सिग्नल मिल जाएगा अब देखिए से एक बार में अगर आप सिंपलीफाई कर लेते पहले अगर हम इन दोनों लिमिट्स को देखें पहले हम अगर इन दोनों लिमिट से अपनी अगर एक लिमिट फाइंड करना चाहते हैं कि अगर हम कह रहे हैं माइनस फाइव से बड़ी है वैल्यू माइनस फाइव टी प्लस फाइव की ठीक है हम क्या देख रहे हैं यहां पर टी में नेगेटिव साइन है जैसे ही हमने बात की थी कि टी में नेगेटिव साइन अगर रहेगा तो आप इस टी के फंक्शन को दूसरी तरफ आप इसको ट्रांसफर कीजिए तो यहां से आपको क्या वैल्यू मिलेगी इस माइनस फाइव इधर आएगा तो प्लस फाइव तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है 5T 10, T 2. तो आपको क्या वैल्यू मिल गई जब तक t टू से छोटी वैल्यू होगी तब तक हमें यह वैल्यू मिलेगी इस लिमिट से अब अगर आपने इन दोनों लिमिट्स को सॉल्व किया ये जो आपकी दूसरी जो दो लिमिट्स हैं अगर आप इन दोनों लिमिट्स को सॉल्व करें तो इन दोनों लिमिट्स से हमारे पास वैल्यू है माइनस फाइव टी प्लस फाइव मस्ट बी लेस देन फिफ्टीन अगेन आपको दिख रहा है कि ये टी में नेगेटिव साइन है तो उसकी दूसरी तरफ ट्रांसफर कीजिए इसको आपने दूसरी तरफ ट्रांसफर किया तो आपके पास साइन आ गया प्लस फाइव टी ये ऑलरेडी फाइव था और यह फिफ्टीन इधर आएगा तो 15. तो 5 -15, क्या वैल्यू मिली आपको माइनस टेन इफ फाइव टी इज ग्रेटर देन टेन यू कैन से दैट मस्ट बी सेन वॉट माइनस टू तो इन दोनों लिमिट्स को अगर आपने इन दोनों को अगर आपने कंबाइन कर दिया तो इस डेफिनेशन से आप लिख सकते थे कि एक्स ऑफ माइनस फाइव टी प्लस इज गोइंग टू बी टेन बट ओनली इफ टी इज इन बिटवीन माइनस टू एंड टू एंड इट इज गोइंग टू बी जीरो अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी जीरो अदरवाइज तो ये अगर आप देखें तो फिर से आपको ये वही सिग्नल मिल रहा है जो माइनस टू से टू के बीच में रिप्रेजेंट होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी टेन विध रिस्पेक्ट टू टी यही आपका सिग्नल है जो आपको ड्रॉ करना था तो इस मेथड से भी आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है तो ये हमने कंबाइंड ऑपरेशन देखे सबसे ईजी ऑपरेशन परफॉर्म करने में सबसे ईजी मेथड कौन सा है जो हमने राइट टू लेफ्ट मूव करने का जो मेथड देखा वो आपके लिए सबसे ईजी है लेकिन आपको इसमें कंफर्टेबल रहना है इस मेथड में आपको हमेशा अपने आप को कंफर्टेबल फील करना है आप अपने नोट्स को देखेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है इस मेथड में जो आपको जरा सा भी कंफ्यूज करे अच्छे से नोट्स आप बनाइए तो इसको आप नोट no डाउन कर लीजिए और भी अगर इस तरफ की चीजें आपको छूट रही हैं तो उसको भी आप यहां से एक बार दिखा दीजिए इसके बाद थोड़ा सा मूव कर लीजिएगा तो सब नोट डाउन हो जाएगा ओके एक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी अगर हम कहें ये वैल्यूज हमारी माइनस टू प्लस वन प्लस थ्री ये आपको सिग्नल गिवन है एक्स ऑफ टी सपोज ये वैल्यूज़ हमने माइनस फोर और ये वैल्यू हमने प्लस फोर ले ली इस सिग्नल के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि वैल्यू ऑफ अगर आपको ऐसे बता दिया गया कि इफ इसमें गिवन है हमारे पास इफ एक्स वन ऑफ टी इज इक्वल्स टू से एक्स ऑफ फोर माइनस टी देन वैल्यू ऑफ एक्स वन ऑफ टी एट टी इक्वल्स टू वन सेकेंड तो इसको फास्ट कमेंट कीजिए आप ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है और यहीं पर मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूं जिससे आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ विजिबल रहे जब दोनों आंसर आप कमेंट करेंगे उसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसके सॉल्यूशन पे मूव करेंगे एक डिस्क्रीट सिग्नल में ले लेता हूं सपोज एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू टू वन वन थ्री माइनस वन टू यहां पर सपोज हमने ये थ्री पर ओरिजिन ले लिया इस सिग्नल के लिए अगर हम डिफाइन कर रहे हैं एक्स वन ऑफ एन इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस एन एन प्लस माइनस वन टू दावर एन एक्स ऑफ एन तो इस सिग्नल के लिए भी आप बताना है आपको कि एक्स वन ऑफ एन एट एन इक्वल्स टू से अगर हमने वैल्यू ले ली प्लस वन तो ये वैल्यू क्या होगी ये दोनों ही सिग्नल्स के लिए एक्स ऑफ टी के लिए भी आपको वैल्यू एक्स वन ऑफ टी की वैल्यू बतानी है एट टी इक्वल्स टू वन सेकंड यहां पर भी आपको एक्स वन ऑफ एन की वैल्यू बतानी है एट एन इक्वल्स टू वन तो दोनों क्वेश्चन आपके ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं इन दोनों को ट्राई कीजिए बिल्कुल बनेगा आपसे तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आपने देखा x ऑफ फोर माइनस टी तो डिपेंड करता है कि आप किस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड फॉलो करने वाले हैं। तो यहां पर अगर आप देखें अगर हम चाहते तो ये जो हमारे पास फंक्शन लिखा था इसको हम क्या लिख सकते थे x ऑफ माइनस टी प्लस फोर लिख सकते थे ठीक है ये अब अगर हम इस पर राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते तो देखिए सबसे ईजी इस सिग्नल के लिए जो होता हमारा वो हमारा सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता कि अगर हम राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन लगा लें तो एक बार हमें इस सिग्नल को फोर से शिफ्ट करना है प्लस फोर का मतलब एडवांसमेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है और जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा उसको हमें उस पर टाइम रिवर्सल परफॉर्म करना है ठीक है तो ये जो सिग्नल है ये हमारे पास एक्सऑफ टी सिग्नल है इसी को लेकर मैं यहीं अगर सॉल्व करूं यहां पर हम पहले इस सिग्नल को एडवांस करना चाहते हैं फोर यूनिट से तो टी के रिस्पेक्ट में इस सिग्नल एक्स ऑफ टी के लिए हम फाइंड कर रहे हैं एक्स ऑफ टी प्लस फोर अगर आपने इस सिग्नल को फोर से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया इसका मतलब ये जो पॉइंट माइनस टू का है ये पॉइंट अब कहां पर होगा माइनस सिक्स पर मतलब जो ये वैल्यू आपको दिख रही है ऐसी वैल्यू आपको माइनस सिक्स पर दिखेगी जो ये पॉइंट थ्री है अब ये पॉइंट शिफ्ट होकर कहां आ जाएगा माइनस वन पर तो जो सिग्नल आपका माइनस टू से लेकर थ्री तक एग्जिस्ट कर रहा था अब वो सिग्नल माइनस सिक्स से लेकर माइनस वन तक एग्जिस्ट करेगा तो हमने ये सिग्नल ड्रॉ कर दिया शेप वाइज आप जानते हैं सिग्नल में कोई चेंजेस नहीं होंगे बस आपने शिफ्टिंग की है तो शिफ्टिंग में आपका पूरा सिग्नल शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड तो जैसा इस सिग्नल का शेप था शेप वैसा ही मेंटेन रखते हुए हमने इस सिग्नल को ड्रॉ कर दिया तो ये हमारे पास इस टाइप का ये सिग्नल आ गया जैसा ये सिग्नल था वैसा ही सिग्नल हमने ड्रॉ कर दिया अब ये इंस्टेंट्स आपको पता है ये वैल्यूज आपको पता है फोर और माइनस फोर यह वैल्यूज है माइनस फोर यह पॉइंट आपने देख लिया कि अगर आपने फोर से शिफ्ट किया मतलब ये जो वैल्यू थ्री पर थी अब वो वैल्यू माइनस वन पर है तो ये वैल्यू हमारी है माइनस वन इसके टू पहले यहां पर जैसे इससे दो पहले ये वन है अब ये वन का पॉइंट हमारा फोर से शिफ्ट होकर कहां पर आ गया माइनस थ्री पर शिफ्ट किया तो कहां आ गया माइनस फोर पर और अगर आप देखें एट टीवल्स टू ये जो वैल्यू हमारी ये क्या हमारी वैल्यू माइनस सिक्स तो अभी हमने सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म किया टाइम शिफ्टिंग अब हम इसमें और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं रिवर्सल रिवर्सल के लिए अगर हम देखें तो ये जो वैल्यूज है हमारी माइनस सिक्स से माइनस वन के लिए एग्जिस्ट कर रही है जैसे ही आप इसको फोल्ड करेंगे मतलब ये सारी नेगेटिव साइड की वैल्यूज कहां आ जाएंगी पॉजिटिव साइड में आ जाएंगी मतलब अगर आप फाइनली देखें जो सिग्नल सिग्नल आपको मिलता यहां पर अगर हम आप t, अगर हम प्लॉट कर ले अपना फाइनल रिस्पेक्ट टू हमने ये सिग्नल प्लॉट किया x ऑफ माइनस टी प्लस फोर तो जो सिग्नल है हमारा जो माइनस सिक्स से माइनस वन एग्जिस्ट कर रहा था अब वो सिग्नल हमारा प्लस वन से प्लस सिक्स तक रिप्रेजेंट होगा मतलब ये आपको इस टाइप का सिग्नल दिखेगा जिसमें इस टाइप की ये वैल्यूज है तो सबको ऐसा ही सिग्नल मिला था एक बार कमेंट कर दीजिए तब तक मैं इसकी वैल्यूज लिख देता हूं ये प्लस फोर ये वैल्यू माइनस फोर अगर हम देखें तो ये एट टीज इक्वल टू ये वन सेकेंड्स है ये हमारा पॉइंट टीज इक्वल्स टू थ्री ये फोर सेकेंड्स और ये पॉइंट है हमारा सिक्स सेकेंड ठीक है तो आइडियल केस में यहां पर नॉर्मली ऐसे अगर आप देखें आगे हम बात करेंगे कि यहां पर एट सिग्नल में डिसंटिन्यूटी है अगर आप देखें तो ये जो सिग्नल आपको मिल रहा है इसकी वैल्यू जीरो थी कब से माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन तक इस सिग्नल की वैल्यू जीरो थी माइनस वन पर ही सिग्नल सडनली जीरो से चेंज होकर क्या हो रहा है फोर हो रहा है और उसके बाद फिर ये फोर पर कॉन्स्टेंट है फिर ये रिड्यूस कर रहा है डिक्रीज हो रहा है लीनियरली फिर उसके बाद यहां पर भी फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है सडनली वैल्यू जीरो से चेंज होकर माइनस फोर हो रही है फिर ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो रही है तो अभी चूंकि हम लोगों ने डिसकंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस नहीं किया गिप्स मैना को हमने डिस्कस नहीं किया इसलिए आप लोगों ने जितने लोगों ने आंसर किया है फोर उन सब का करेक्ट आंसर मैं मानता हूं कि आपने देखा कि वन पर सिग्नल की वैल्यू कितनी दिख रही है फोर दिख रही है ठीक है तो आप सभी का आंसर अभी के लिए मैं आप बिल्कुल आपको करेक्ट बोल रहा हूं अभी के लिए

राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग की ठीक है अब इसमें अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे उसके बाद फिर हम ये सेकंड क्वेश्चन देखेंगे ये जो question था हमारे पास, अब हम फिर से देखते हैं इसको, ये हमारा सिग्नल था जिस सिग्नल में ये हमें इस टाइप की वैल्यूज दिख रही थी ये हमारे पास ऐसी ये वैल्यूज थी ठीक है ये टी के रिस्पेक्ट में एक्स ऑफ टी तो अगर हम इस सिग्नल को फिर से अपने रिप्लेसमेंट मेथड से फाइंड करना चाहते तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स हैं हमारे माइनस टू टीवल टू जीरो पॉइंट है थ्री ठीक है तो ये हमारा फंक्शन था जिसकी वैल्यू थी प्लस फोर एंड माइनस फोर अगर हमें रिप्लेसमेंट का मेथड यूज करना है तो हमने सबसे पहले क्या देखा हमें सिग्नल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो इस एक्स ऑफ टी के लिए अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहते हैं क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू हम हमेशा जब भी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो किधर से मूव करते हैं, right हम को लिखते हैं. तो लेफ्ट साइड में अगर हमने लेफ्ट से चलना शुरू किया हमें दिख रहा है माइनस टू से लेकर और जीरो तक इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है माइनस फोर तो हम क्या लिख सकते हैं फंक्शन इज माइनस फोर इफ द वैल्यू ऑफ टी इज इन बिटवीन माइनस टू एंड जीरो नेक्स्ट अगर आप देखें तो जीरो से लेकर वन तक ये सिग्नल एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है ठीक है स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशन की हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी जिसको हम आगे भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे जिस पर अगर ये वाई और अगर ये आप एक्स एक्सिस लेते हैं अगर ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है तो यहां पर जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है तो उस केस में आप लिखते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू एम इन टू एक्स प्लस सी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ठीक है ये एम रिप्रेजेंट करता है स्लोप को ये भी आपको पता है एम इक्वल्स टू स्लोप एंड स्लोप इक्वल्स टू व्हाट डेल वाई अपॉन डेल एक्स मतलब चेंज इन वाई एक्सेस डिवाइडेड बाय चेंज इन करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सेस तो ये आपको स्लोप एम की वैल्यू मिल जाएगी और ये जो सी है ये सी आप जानते हैं सी क्या हमारा इंटरसेक्शन विथ इंटरसेक्शन विथ एक्सिस एक्सिस ये हमारा y के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट को डिफाइन कर रहा है ठीक है अब जो हम सिग्नल्स ड्रॉ कर रहे हैं उस सिग्नल में ये ये जो एक्सिस एक्सिस होती है यहां पर पर आप अपना फंक्शन लिखते हैं ऑफ क्या होता है हमारा फंक्शन एक्स ऑफ टी और एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं एक्स की जगह पर टाइम तो जब हम सिग्नल्स में आएंगे तो सिग्नल्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई की जगह हम लिखेंगे एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू स्लोप एम इन टू एक्स एक्सिस तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी तो अगर हम देखें ये जो हमने अभी फंक्शन लिया है एक्स ऑफ टी हमें दिखा कि जीरो से वन के बीच में ये सिग्नल एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्लोप डिफाइन करना चाहें तो देखिए अगर हम देखें इस चीज को अगर हम कहें डेल वाई ये जो हमारा ड्यूरेशन है ये जीरो से वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हुई और फाइनली कहां तक पहुंच रही है फोर तक पहुंच रही है मतलब ये जो डेल वाई है इस डेल वाई की वैल्यू है फोर कितने टाइम में अगर हम इतना ये एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर करेंगे एक्स एक्सिस में अगर हम जीरो से वन तक मूव कर रहे हैं तो वाई एक्सिस में वैल्यू जीरो से कहां तक मूव हो रही है फोर तक मूव हो रही है मतलब हम कहेंगे कि यह हमारा डेल एक्स है तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी है न माइनस जीरो तो अगर यहां पर आप स्लोप देखना चाहते हैं सिग्नल का स्लोप दैट दिसको आप और लिख सकते थे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो अगर आप देखें इस पॉइंट पर वाई टू की वैल्यू कितनी है फोर ये फाइनली कहां तक जा रहा है वाई टू मतलब जो फाइनल वैल्यू है आपके स्ट्रेट लाइन की तो आप जा रहे हैं वैल्यू में फोर तक आपने वैल्यू स्टार्ट की थी कहां से जीरो से जीरो से फोर तक पहुंचे हैं तो इसलिए डेल वाई की वैल्यू फोर माइनस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस में आप कहां से कहां तक पहुंचे हैं जीरो से लेकर वन तक तो डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी फाइंड uh, तो मतलब कर लिया एम फाइंड कर लिया और आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है इस स्ट्रेट लाइन का ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन मतलब के लिए जो पर्टिकुलरली इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है C इक्वल्स टू जीरो तो m पता चल गया c पता चल गया और अभी आपने लिखा कि इक्वेशन हम किस फॉर्म में लिखेंगे XT is equals to plus c. क्योंकि x-axis हमारी t है, 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 ये slope आपने कर कर लिया है, c की ली तो एक्स टी के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा m इज फोर t एंड प्लस जीरो मतलब इस जीरो से वन के बीच में हम इस सिग्नल के लिए जो रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे स्ट्रेट लाइन उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या लिख सकते हैं फोर टी ये स्ट्रेट लाइन को हम क्या लिख सकते हैं फोर टी से कहां तक के लिए जीरो से लेकर वन सेकंड्स तक हमारी वैल्यू कितनी है 40. फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फंक्शन फिर से कॉन्स्टेंट है मतलब आप फिर से लिख सकते थे फंक्शन की वैल्यू कॉन्स्टेंट फोर एट अगर हम रेंज देखें कहां से कहां तक तो अब ये रेंज क्या हमारी फोर इक्वल्स टू वन सेकेंड टू थ्री सेकेंड ये हमारे पास एक्स ऑफ टी सिग्नल का सिग्नल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें मिल गया अब हमें इस सिग्नल से क्या फाइंड करना था हमें यह सिग्नल फाइंड करना था एक्स ऑफ माइनस टी प्लस फोर तो हम क्या करने वाले हैं एक्स ऑफ टी हमने फाइंड कर लिया यहां पर हम अब फाइंड करने वाले हैं एक्स ऑफ माइनस तो हमने इस टी को रिप्लेस कर दिया है किससे

तो ये वैल्यू भी क्या होगी फोर इन टू माइनस टी प्लस फोर यह किस रेंज में होगी वैल्यू जब तक इस माइनस टी प्लस फोर की वैल्यू हमारी कहां से कहां के बीच में हो जीरो और वन के बीच में हो और फाइनली ये वैल्यू फोर होगी अगर आपके इस माइनस टी प्लस फोर की वैल्यू किस किस के बीच में हो ये वैल्यू जब आपकी वन और थ्री के बीच में होगी तो ये आपने एक्स ऑफ माइनस टी प्लस फोर फाइंड कर लिया अब आपको करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स चाहिए टी के अगर आप यहां से देखें अगर आप देखें माइनस टी प्लस फोर पहले रिलेशन को माइनस टू मस्ट बी लेस देगा plus 6. मतलब, t की वैल्यू जब तक सिक्स से कम रहेगी आपने पहले इन दोनों लिमिट्स को सॉल्व किया फिर जब इन दोनों लिमिट्स को सॉल्व करते तो आप लिखते माइनस टी प्लस फोर मस्ट बी लेस देन जीरो दूसरी तरफ मूव कर लीजिए तो आपको टी की वैल्यू क्या मिली

एक्सो इसी की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस फोर टी प्लस सिक्सटीन किस रेंज में अगर आपने पहले इनको सॉल्व किया तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ रही है देखिए टी मस्ट बी लेस देन फोर अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते टी को दूसरी तरफ आपने मूव कर दिया तो टी मस्ट बी लेस देन फोर ये एक वैल्यू होती और अगर इसको सॉल्व करते अगर आप लिखते टी माइनस माइनस टी प्लस फोर मस्ट बी लेस देन वन इन दोनों लिमिट्स को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो फिर उसके केस में क्या वैल्यू मिलेगी t को दूसरी तरफ आपने अगर मूव कर लिया इस वन को इधर मूव करेंगे तो t मस्ट बी ग्रेटर देन थ्री तो t मस्ट बी ग्रेटर देन देन एंड t मस्ट बी लेस तो ये रीजन आपको मिल गया कि t विल बी इन बिटवीन थ्री एंड फोर ये ठीक है सेकेंड मेथड सेकेंड लाइन अब फिर से यहां से आपको वैल्यू दिख रही है फोर तो ये आपने वैल्यू लिख दी फोर ये फोर किसके लिए होगा पहले आपने इन दोनों को सॉल्व किया यहां से आपने लिखा t को दूसरी तरफ रिप्लेस करके मस्ट बी लेस देन प्लस फोर माइनस वन दट इज थ्री इन दोनों को सॉल्व किया आपने तो इन दोनों से आप लिख सकते हैं टी को आपने दूसरी तरफ मूव कर दिया तो ये प्लस टी और फोर माइनस थ्री दैट विल बी वन तो आपको यहां से लिमिट्स मिल रही हैं कि टी की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए और थ्री से छोटी होनी चाहिए तो अगर आपको ये सिग्नल ड्रॉ करना था तो आप सबसे पहले लिमिट्स देखिए ये यह यहां से आपको चलना शुरू करना है वन से थ्री के बीच में जब टी रहेगा तो वैल्यू क्या होगी फोर होगी तो आपने इसको प्लॉट किया तो यह हम यहां पर इसको प्लॉट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी ये हमारा फंक्शन है एक्स ऑफ माइनस टी प्लस फोर हम ये पॉइंट्स लिख लेते हैं ये पॉइंट है सपोज वन ये पॉइंट है हमारा थ्री ये पॉइंट है हमारा फोर फिर हमारे पास ये पॉइंट है सिक्स तो वन से थ्री के बीच में जब टी है उस बीच में हमारा फंक्शन कांस्टेंट है कितने पर प्लस फोर पर वन से थ्री के बीच में वैल्यू है टी की तो फंक्शन कांस्टेंट है प्लस फोर पर इसके बाद अगर आप थ्री से फोर के बीच में देखेंगे तो ये फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ थ्री से फोर के बीच में डिफाइंड है तो आप अगर थ्री पर वैल्यू देखना चाहते हैं अगर इसमें आप टी जीवल टू थ्री पुट कर देंगे तो माइनस फोर इंटू थ्री माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन मतलब आपको वैल्यू क्या मिलेगी प्लस फोर तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि टीज इक्वल टू थ्री पर आपकी वैल्यू कितनी है प्लस फोर ठीक है अब अगर आप इसमें ये अगर आप टी जीवल टू फोर पुट करेंगे क्योंकि आपको ये स्ट्रेट लाइन फोर तक ड्रॉ करनी है तो अगर आप इस स्ट्रेट लाइन में टी जीवल टू फोर पुट करेंगे तो माइनस फोर इन टू फोर दैट विल्सटीन एंड प्लस सिक्सटीन तो वैल्यू क्या मिलेगी जीरो इसका मतलब आप ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करने वाले थे थ्री से फोर के बीच में आपने दोनों जगहों पर वैल्यू देख ली उसको आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया आपने देख लिया कि टी जीक टू थ्री पर इसकी क्या वैल्यू है आपको वैल्यू मिली फोर जो यहां पर ऑलरेडी आपके पास थी फिर आपने देखा फोर पर क्या वैल्यू होगी आपने कहा जीरो और दोनों पॉइंट्स को आपने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया ठीक है ये अब इसके बाद फोर से सिक्स तक इस फंक्शन की वैल्यू होनी है माइनस फोर तो ये आपने फोर से सिक्स के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू बना दी माइनस फोर तो ये आपके पास ये सिग्नल रिप्रेजेंट हो गया माइनस फोर तो देखें अगर आप तो सेम यही सिग्नल आपको दिख रहा होगा आपका कैमरा यही होगा आप इसको नोट no डाउन करेंगे लेकिन एक बार देख लीजिए कि ये जो सिग्नल आपको मिला था ये सेम वही सिग्नल है माइनस वन से लेकर थ्री तक आपका ये फंक्शन कांस्टेंट है फोर पर फिर यह डिक्रीज कर रहा है जीरो तक फिर उसके बाद ये वैल्यू क्या हो गई माइनस फोर हो गई तो आप फोकस कर दीजिए कैमरा उस तरफ नोट डाउन आपने जहां से नहीं किया है तो यहीं से आप ऐसे इसको ले लो कि ये आधा बोर्ड कवर हो जाए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए उसके बाद फिर हम जो एग्जाम्पल लिया इसलिए लिया क्योंकि देखा हमने कि इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में जो रिप हाँ इधर एक बार ले आइए आपको बिल्कुल नोट करने के लिए मैं कैमरा वहां फोकस कराऊंगा जो यहां पर हमारा इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज था इसके जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें आपने देखा था कि अगर हम रिप्लेसमेंट का मेथड ले लें तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा लेकिन इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर हम इसमें राइट टू लेफ्ट शिफ्ट पहले अगर हम कर लेते राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन लगा लेते तो इसके केस में हमें कम, देखने की जरूरत थी आप डायरेक्टली इसको फाइंड कर सकते थे तो आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस से ये डिसाइड करना आना चाहिए दो धीरे धीरे आएगा आपको कि किस क्वेश्चन में ऑपरेशन लगाना है तो कौन सा मेथड बेस्ट होगा क्या हमें रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए चाहिए या हमें राइट टू लेफ्ट लगाना चाहिए या इवन कुछ फंक्शंस में लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन भी ज्यादा कन्वीनियंट हो सकते हैं तो वो सभी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी आप में तो नोट डाउन आपने कितना